हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है सनम तेरी कसम। यह मूवी 5 फरवरी 2016 को थिएटर में रिलीज हुई थी। इस मूवी का टोटल बजट 5 करोड़ का था, वहीं इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 9 करोड़ की कमाई करी। जहां 84% लोगों ने इस मूवी को पसंद किया है, वहीं इसकी IMDb रेटिंग 7.5 out of 10 है। इस मूवी के डायरेक्टर राधिका राव और विनय सप्रू हैं। वहीं इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर हिमेश रेशमिया हैं। हर्षवर्धन राणे और मावरी हुसैन इस मूवी में लीड रोल के एक्टर हैं। सनम तेरी कसम एक भारतीय रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसके निर्माता दीपक मुकुट जी हैं। यह फिल्म एरिक सैगल की नॉवल लव स्टोरी पर आधारित है। मावरा हुसैन ने इस फिल्म में बॉलीवुड में डेब्यू किया है। झूम झूम प्रोडक्शन झरोसा नाव के साथ मिलकर इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था। ये तो हो गई कुछ मूवी की छोटी सी इन्फॉर्मेशन। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस एक बात और, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, तथा हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। मूवी की स्टार्टिंग वकील इंद्रलाल परिहार से शुरू होती है, जो अदालत के एक मामले को जीत चुका है। सभी उसे बधाई दे रहे होते हैं, परंतु इंद्र घर लौटता है और एक बोतल उठाकर उसके घर के पीछे एक पेड़ के सामने जाता है। वहां एक कब्र के नाम और तारीख को देखकर वो रोने लगता है और शराब पीने लगता है। वो कब्र उसकी पत्नी की थी। इसके बाद वो अपने पिछले समय के बारे में सोचने लगता है। सरस्वती उस स्वरूप एक जवान लाइब्रेरियन रहती है। उसके रहने और तैयार होने के तरीके के कारण सभी उसे बदसूरत समझते हैं। उसकी खूबसूरत बहन का भी शादी करना चाहती है, लेकिन उसके पिता पहले स्वरूप की शादी करने के बारे में सोचते हैं। कावेरी का प्रेमी उसे 1 महीने का समय देता है और कहता है कि अगर उसने 1 महीने में उससे शादी नहीं की तो वो उसे छोड़कर चला जाएगा। इस कारण दोनों बहनों में तनाव उत्पन्न हो जाता है। इस तरह स्वरूप के ऊपर अपने लिए जल्द से जल्द जीवन साथी ढूंढने का दबाव बन जाता है। स्वरूप के परिवार का वहाँ काफ़ी इज्जत और सम्मान भी होता है। वे जिस बिल्डिंग में रहते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं, वहाँ कुछ बुजुर्ग जिसमें स्वरूप के पिता भी शामिल हैं देख रेख करते रहते हैं। किसी भी प्रकार की घटिया हरकत बर्दाश्त भी नहीं करते। एक दिन स्वरू के पिता स्वरू अपने पड़ोस में रहने वाले इंद्र के पास जाती हैं, जो एक अमीर और प्रसिद्ध वकील का बेटा होता है। वो अपनी प्रेमिका रूबी मल्होत्रा के साथ दिखता है, जिसे जयराम को इंद्र के ऊपर गुस्सा आ जाता है। उसी दौरान इंद्र की मुलाकात स्वरू से होती है। वो उसकी सादगी और खूबसूरती को देखकर उसकी ओर आकर्षित होता है। वहीं स्वरू के मन में अभिमन्यु शास्त्री की छाया रहती है, जो अमीर और खूबसूरत है। जब अभिमन्यु को पता चलता है कि स्वरू उसके ऊपर लट्टू है, तो वो इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। उसे अजीब अजीब तरह की काम करने को कहता है। इंद्र कई बार लाइब्रेरी में आता जाता है और स्वरू से पूर्व बंदी के पढ़ने लायक किताबें को खरीदता है और उसके बारे में जानकारी भी लेता है। कई बार इनकार के बाद स्वरू को लगता है कि उसे अपने भीतर बदलाव लाना पड़ेगा, तभी उसे पति मिल सकता है। उसके माता पिता शहर छोड़कर बाहर जा रहे होते हैं, इसी कारण वो इंद्र से मदद मांगने जाती है। उसके अपार्टमेंट में वो सुबह के 4 बजे जाती है। जब रूबी घर आती है तो उसे लगता है कि इंद्र उसे धोखा दे रहा है और वो एक कांच का बोतल स्वरू के ऊपर फेंक देती है, पर बीच में इंद्र आ जाता है और उसके हाथ में बोतल
लगकर फूट जाती है, जिससे इंद्र के हाथों से खून निकलने लगता है। सरू से इंद्र घर जाने को कहता है, पर सरू को लगता है कि उसके हाथ की चोट उसकी वजह से लगी है। इस कारण चोट की वो मरहम पट्टी करने लगती है। इसी में रात गुजर जाती है। वहाँ का चौकीदार उन दोनों पर नज़र रखने लगता है। अगले दिन जब सरू के माता पिता यात्रा से थोड़ा पहले ही घर आ जाते हैं, तो वहाँ लोग उन्हें बताते हैं कि सरू ने इंद्र के साथ रात गुजारी है। पहले तो जयराम को विश्वास ही नहीं होता कि उसकी बेटी ने ऐसा कुछ किया है, लेकिन जब वो अपनी बेटी को इंद्र के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखता है तो उसे उन लोगों की बात पर यकीन हो जाता है। सरू उन्हें समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पिता उसकी एक भी नहीं सुनते और बोल देते हैं कि अब वो उनके लिए मर चुकी है। सरू अपनी माँ को सारी बात बताती है। उसकी माँ विश्वास भी कर लेती है, लेकिन वो अपने पति से नहीं कह पाती। सरू को लगता है कि अगर वो किसी अच्छे लड़के से शादी कर लेगी तो उसके पिता उसे स्वीकार कर लेंगे। इंद्र उसके लिए अपार्टमेंट में जगह की तलाश करने में मदद करता है, साथ ही उसके पहनावे आदि को बदलने की वो बहुत कोशिश करता है। इसी बीच इंद्र सरू से प्यार करने लगता है, पर अभिमन्यु सरू से शादी के लिए पूछता है तो इंद्र अपने दिल की बात दिल में ही छुपा लेता है। अभिमन्यु उसे शादी के दिन ही छोड़ देता है, क्योंकि उसके पिता को ऐसी बहू नहीं चाहिए होती है जिसके पिता ने उसे स्वीकार नहीं किया हो। सरू का दिल टूट जाता है। उसे लगता है कि उसके पिता के अस्वीकार करने के बाद अब उसकी शादी नहीं हो सकती। वो अपने हनीमून सीट तक आती है और इंद्र को कहती है कि वो उसे सातवाना देने के लिए प्यार करें। पहले तो इंद्र इकार कर देता है, पर बाद में मान जाता है। अगली सुबह वो सरू के साथ अभिमन्यु को देखता है। इंद्र को लगता है कि अभिमन्यु के साथ वो वापस जा चुकी है। उसका दिल टूट जाता है जब उसे पता चलता है कि सरू ने अभिमन्यु के अनुरोध को स्वीकार कर दिया है। तो वो उसके फ़ोन से उसे ढूंढते हुए बौद्ध मठ जाता है। वो उसे अपने प्यार का इजहार करता है, पर सरू बेहोश हो जाती है। इंद्र उसे अस्पताल ले जाता है। वहाँ पता चलता है कि उसे अब लाइलाज बीमारी है, इस कारण वो जल्दी ही मरने वाली है। यह बात पता चलते ही सरू के माता पिता के घर में जबरन घुस जाता है और उनसे अपनी बेटी को मरा हुआ ना मानने को कहता है। अगले दिन पुलिस उसे जयराम के कहने पर गिरफ्तार कर लेती है। सरू अस्पताल से छूटने के बाद लाइब्रेरी चली जाती है। वहाँ उसे इंद्र के छोड़े हुए कुछ लेटर मिलते हैं, जिसे में उसे एहसास होता है कि इंद्र उससे बहुत पहले से ही प्यार करता है। इंद्र किसी तरह लाइब्रेरी आ जाता है। वो दोनों वहाँ मिलते हैं। सरू उससे शादी करने को कहती है। एक रात सरू की उसकी मौत के बाद वो चाहती है कि उसकी कब्र एक पेड़ के नीचे दफनाई जाए। वो ये भी कहती है कि उसके पिता का दिया हुआ श्राप सच साबित हो रहा है, वो असल में मरने वाली है। इंद्र उसे कहता है कि भगवान कभी श्राप को स्वीकार नहीं करते, और शुरू कहते हैं कि भगवान माता पिता की प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। शादी का दिन आता है। शुरू के माता पिता अपनी गलती का एहसास होने के बाद उन दोनों को शादी में आने को कहते हैं। शादी के बाद सरू बेहोश हो जाती है। अस्पताल में डॉक्टर कहते हैं कि वो मरने वाली है। इंद्र अपने पिता से उस पेड़ वाली जमीन को खरीदने की विनती करता है, जिसके नीचे वो सरू को दफनाना चाहते हैं। सरू की मौत इंद्र के हाथों में हो जाती है। उससे पहले इंद्र उसकी मांग भर के उसे सुहागन बनाता है। बाद में दिखाया जाता है कि इंद्र एक सफल वकील बन चुका है। सरूर के कब्र के आगे खड़ा होता है। वो बोलता है कि उसे सफल देखकर वो सरूर जरूर खुश हो रही होगी। वो कहता है कि वो उसे याद करता है और शाश्वत सच्चा प्यार करने का वादा भी करता है। यही मूवी का एंड हो जाता है।
अब यदि इस मूवी के लीड रोल कैरेक्टर की बात करें तो हर्षवर्धन ने इंद्र परिहार, मावरा हुसैन ने सरस्वती पारसार्थी, मनीष चौधरी ने जयराम पारसार्थी सरू के पिता, प्योमरी मोहता ने सरू की माँ, देवता सिंह ने कावेरी पारसार्थी सरू की बहन, सुदेश बोरी ने राजेंद्र परिहार, अनुराग सिन्हा ने अभिमन्यु शास्त्री, मुरली शर्मा ने पुलिस अफसर, श्रद्धा दास ने रूबी मल्होत्रा और रवि शर्मा ने पंडित जी का रोल किया है। जहाँ इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर हिमेश रेशमिया हैं, तो वहीं इस मूवी के कुछ गानों ने लोगों के दिलों में एक अलग ही जगह बना ली है। यह मूवी इमोशनल से भरी हुई है, तो इसके गाने भी कुछ इमोशनल वाले भी हैं और कुछ कॉमेडी वाले भी। जहाँ सनम तेरी कसम गाना लोगों को बहुत पसंद आया, वहीं खींच मेरी फ़ोटो लोगों को डांस करने पर मजबूर कर ही देता है। वहीं इस मूवी के लीड रोल कैरेक्टर हर्षवर्धन राणे की बात करें, जो आज फिल्म जगत के बहुत फेमस एक्टर हैं, जिन्होंने अपनी फिल्म की शुरुआत तेलुगु सिनेमा से की थी। इन्होंने तेलुगु फिल्म ताकिया तकिया से जाना जाता है। हर्षवर्धन ने बॉलीवुड सिनेमा में साल 2016 में आई फिल्म सनम तेरी कसम में डेब्यू किया था। इस फिल्म में दर्शकों द्वारा इन्हें काफ़ी पसंद किया गया। अपनी पहली फिल्म के बाद हर्ष अपनी दूसरी फिल्म तेज नज़र आते हैं। अब वह क्राइम थ्रिलर फिल्म हसीन दिलरुबा से एक बार फिर बॉलीवुड में अपना जादू चलाने वाले हैं। हसीन दिलरुबा तेज, पलटन, फिदा, अवनी, अनामिका, माया, अवनी टू, बंगाल टाइगर, K7, यारों की बात आदि कई सारी मूवीज़ में काम किया है। इन्होंने अपनी सारी फिल्म में एक बेहतरीन रोल अदा किया है, जो आज आपको देखना ही चाहिए। वहीं इनकी एक मूवी इंस्पेक्टर विजय, जो एक तेलुगु मूवी है, उसमें भी उनका एक बेहतरीन रोल है। इन्हें अपने अच्छे रोल के लिए कई सारे अवार्ड भी मिल चुके हैं। वहीं हम मावरी हुसैन की बात करें तो ये पाकिस्तानी मॉडल हैं, जिन्होंने अपनी फिल्म जवानी फिर नहीं आनी 2 और सनम तेरी कसम में ही काम किया है। यह बॉलीवुड में एक बेहतरीन एक्ट्रेस के तौर पर लोगों के सामने आई है। इस मूवी में इनका इमोशनल सीन लोगों को बहुत इमोशनल बना देते हैं। इस फिल्म को देखने के बाद आपके आंखों में आंसू तो ज़रूर आएंगे, साथ में कुछ दिल को हल्का भी महसूस होगा, क्योंकि यह फिल्म लोगों के दिलों के साथ जरूर खेलेगा। फिल्म में हीरो हीरोइन की केमिस्ट्री भी आपको बहुत अच्छी लगेगी। गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, तथा आप इन दोनों में से किस कैरेक्टर की फिल्म का एक्सप्लेनेशन हमारे इस चैनल पर देखना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, तथा ज़्यादा अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, उस मूवी का नाम है सनम तेरी कसम। यह मूवी 5 फरवरी 2016 को थिएटर में रिलीज हुई थी। इस मूवी का टोटल बजट 5 करोड़ का था। वहीं इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 9 करोड़ की कमाई करी। जहां 84% लोगों ने इस मूवी को पसंद किया है, वहीं इसकी IMDb रेटिंग 7.5 out of 10 है। इस मूवी के डायरेक्टर राधिका राव और विनय सप्रू हैं। वहीं इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर हिमेश रेशमिया हैं। हर्षवर्धन राणे और मावरी हुसैन इस मूवी में लीड रोल कैरेक्टर हैं। सनम तेरी कसम एक भारतीय रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसके निर्माता दीपक मुकुट जी हैं। यह फिल्म एरिक सैगल की नॉवल लव स्टोरी पर आधारित है। मावरा हुसैन ने इस फिल्म में बॉलीवुड में डेब्यू किया है। झूम झूम प्रोडक्शन झरोसा नाव के साथ मिलकर इस फिल्म को रिलीज किया गया था। ये तो हो गई कुछ मूवी की छोटी सी इन्फॉर्मेशन। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, एक बात और, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, तथा हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। मूवी की स्टार्टिंग वकील इंद्रलाल परिहार से शुरू होती है, जो अदालत
के एक मामले को जीत चुका है। सभी उसे बधाई दे रहे होते हैं, परंतु इंद्र घर लौटता है और एक बोतल उठाकर उसके घर के पीछे एक पेड़ के सामने जाता है। वहाँ एक कब्र के नाम और तारीख को देखकर वो रोने लगता है और शराब पीने लगता है। वो कब्र उसकी पत्नी की थी। इसके बाद वो अपने पिछले समय के बारे में सोचने लगता है। सरस्वती उस स्वरूप एक जवान लाइब्रेरियन रहती है। उसके रहने और तैयार होने के तरीके के कारण सभी उसे बदसूरत समझते हैं। उसकी खूबसूरत बहन का भी शादी करना चाहती है, लेकिन उसके पिता पहले सरू की शादी करने के बारे में सोचते हैं। कावेरी का प्रेमी उसे एक महीने का समय देता है और कहता है कि अगर उसने एक महीने में उससे शादी नहीं की तो वो उसे छोड़कर चला जाएगा। इस कारण दोनों बहनों में तनाव उत्पन्न हो जाता है। इस तरह सरू के ऊपर अपने लिए जल्द से जल्द जीवन साथी ढूंढने का दबाव बन जाता है। सरू के परिवार का वहाँ काफ़ी इज्जत और सम्मान भी होता है। वे जिस बिल्डिंग में रहते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं, वहाँ कुछ बुजुर्ग जिसमें सरू के पिता भी शामिल हैं देख रेख करते रहते हैं। किसी भी प्रकार की घटिया हरकत बर्दाश्त भी नहीं करते। एक दिन सरू के पिता सरू अपने पड़ोस में रहने वाले इंद्र के पास जाती है, जो एक अमीर और प्रसिद्ध वकील का बेटा होता है। वो अपनी प्रेमिका रूबी मल्होत्रा के साथ दिखता है, जिसे जयराम को इंद्र के ऊपर गुस्सा आ जाता है। उसी दौरान इंद्र की मुलाकात सरू से होती है। वो उसकी सादगी और खूबसूरती को देखकर उसकी ओर आकर्षित होता है। वहीं सरू के मन में अभिमन्यु शास्त्री की छाया रहती है, जो अमीर और खूबसूरत है। जब अभिमन्यु को पता चलता है कि सरू उसके ऊपर लट्टू है, तो वो इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। उसे अजीब अजीब तरह की काम करने को कहता है। इंद्र कई बार लाइब्रेरी में आता जाता है और सरू से पूर्व बंदी के पढ़ने लायक किताबें को खरीदता है और उसके बारे में जानकारी भी लेता है। कई बार इनकार के बाद सरू को लगता है कि उसे अपने भीतर बदलाव लाना पड़ेगा, तभी उसे पति मिल सकता है। उसके माता पिता शहर छोड़कर बाहर जा रहे होते हैं, इसी कारण वो इंद्र से मदद मांगने जाती है। उसके अपार्टमेंट में वो सुबह के 4 बजे जाती है। जब रूबी घर आती है तो उसे लगता है कि इंद्र उसे धोखा दे रहा है और वो एक कांच का बोतल सरू के ऊपर फेंक देती है, पर बीच में इंद्र आ जाता है और उसके हाथ में बोतल लगकर फूट जाती है, जिससे इंद्र के हाथों से खून निकलने लगता है। सरू से इंद्र घर जाने को कहता है, पर सरू को लगता है कि उसके हाथ की चोट उसकी वजह से लगी है। इस कारण चोट की वो मरहम पट्टी करने लगती है। इसी में रात गुजर जाती है। वहाँ का चौकीदार उन दोनों पर नज़र रखने लगता है। अगले दिन जब सरू के माता पिता यात्रा से थोड़ा पहले ही घर आ जाते हैं, तो वहाँ लोग उन्हें बताते हैं कि सरू ने इंद्र के साथ रात गुजारी है। पहले तो जयराम को विश्वास ही नहीं होता कि उसकी बेटी ने ऐसा कुछ किया है, लेकिन जब वो अपनी बेटी को इंद्र के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखता है तो उसे उन लोगों की बात पर यकीन हो जाता है। सरू उन्हें समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पिता उसकी एक भी नहीं सुनते और बोल देते हैं कि अब वो उनके लिए मर चुकी है। सरू अपनी माँ को सारी बात बताती है। उसकी माँ विश्वास भी कर लेती है, लेकिन वो अपने पति से नहीं कह पाती। सरू को लगता है कि अगर वो किसी अच्छे लड़के से शादी कर लेगी तो उसके पिता उसे स्वीकार कर लेंगे। इंद्र उसके लिए अपार्टमेंट में जगह की तलाश करने में मदद करता है, साथ ही उसके पहनावे आदि को बदलने की वो बहुत कोशिश करता है। इसी बीच इंद्र सरू से प्यार करने लगता है, पर अभिमन्यु सरू से शादी के लिए पूछता है तो इंद्र अपने दिल की बात दिल में ही छुपा लेता है। अभिमन्यु उसे शादी के दिन ही छोड़ देता है, क्योंकि उसके पिता को ऐसी बहू नहीं चाहिए होती है जिसके पिता ने उसे स्वीकार नहीं किया हो।
सरूर का दिल टूट जाता है। उसे लगता है कि उसके पिता के अस्वीकार करने के बाद अब उसकी शादी नहीं हो सकती। वो अपने हनीमून स्वीट तक आती है और इंद्र को कहती है कि वो उसे सातवाना देने के लिए प्यार करें। पहले तो इंद्र इकार कर देता है पर बाद में मान जाता है। अगली सुबह वो सरू के साथ अभिमन्यु को देखता है। इंद्र को लगता है कि अभिमन्यु के साथ वो वापस जा चुकी है। उसका दिल टूट जाता है जब उसे पता चलता है कि सरू ने अभिमन्यु के अनुरोध को स्वीकार कर दिया है। तो वो उसके फ़ोन से उसे ढूंढते हुए बौद्ध मठ जाता है। वो उसे अपने प्यार का इजहार करता है पर सरू बेहोश हो जाती है। इंद्र उसे अस्पताल ले जाता है। वहाँ पता चलता है कि उसे अब लाइलाज बीमारी है, इस कारण वो जल्दी ही मरने वाली है। यह बात पता चलते ही सरू के माता पिता के घर में जबरन घुस जाता है और उनसे अपनी बेटी को मरा हुआ ना मानने को कहता है। अगले दिन पुलिस उसे जयराम के कहने पर गिरफ्तार कर लेती है। सरू अस्पताल से छूटने के बाद लाइब्रेरी चली जाती है। वहाँ उसे इंद्र के छोड़े हुए कुछ लेटर मिलते हैं जिसे में उसे एहसास होता है कि इंद्र उससे बहुत पहले से ही प्यार करता है। इंद्र किसी तरह लाइब्रेरी आ जाता है। वो दोनों वहाँ मिलते हैं। सरू उससे शादी करने को कहती है। एक रात सरू की उसके मौत के बाद वो चाहती है कि उसकी कब्र एक पेड़ के नीचे दफनाई जाए। वो ये भी कहती है कि उसके पिता का दिया हुआ श्राप सच साबित हो रहा है, वो असल में मरने वाली है। इंद्र उसे कहता है कि भगवान कभी श्राप को स्वीकार नहीं करते और शुरू कहते हैं कि भगवान माता पिता की प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। शादी का दिन आता है। शुरू के माता पिता अपनी गलती का एहसास होने के बाद उन दोनों को शादी में आने को कहते हैं। शादी के बाद सरू बेहोश हो जाती है। अस्पताल में डॉक्टर कहते हैं कि वो मरने वाली है। इंद्र अपने पिता से उस पेड़ वाली जमीन को खरीदने की विनती करता है जिसके नीचे वो सरू को दफनाना चाहते हैं। सरू की मौत इंद्र के हाथों में हो जाती है। उससे पहले इंद्र उसकी मांग भर के उसे सुहागन बनाता है। बाद में दिखाया जाता है कि इंद्र एक सफल वकील बन चुका है। सरूर के कब्र के आगे खड़ा होता है। वो बोलता है कि उसे सफल देखकर वो सरूर जरूर खुश हो रही होगी। वो कहता है कि वो उसे याद करता है और शाश्वत सच्चे प्यार करने का वादा भी करता है। यही मूवी का डी एंड हो जाता है। अब यदि इस मूवी के लीड रोल कैरेक्टर की बात करें तो हर्षवर्धन ने इंद्र परिहार, मावरा हुसैन ने सरस्वती पारसारथी, मनीष चौधरी ने जयराम पारसारथी सरू के पिता, प्योमरी मोहता ने सरू की माँ, देवता सिंह ने कावेरी पारसारथी सरू की बहन, सुदेश बोरी ने राजेंद्र परिहार, अनुराग सिन्हा ने अभिमन्यु शास्त्री, मुरली शर्मा ने पुलिस अफसर, श्रद्धा दास ने रूबी मल्होत्रा और रवि शर्मा ने पंडित जी का रोल किया है। जहाँ इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर हिमेश रेशमिया हैं तो वहीं इस मूवी के कुछ गानों ने लोगों के दिलों में एक अलग ही जगह बना ली है। यह मूवी इमोशनल से भरी हुई है तो इसके गाने भी कुछ इमोशनल वाले भी हैं और कुछ कॉमेडी वाले भी। जहां सनम तेरी कसम गाना लोगों को बहुत पसंद आया वहीं खींच मेरी फ़ोटो लोगों को डांस करने पर मजबूर कर ही देता है। वहीं इस मूवी के लीड रोल कैरेक्टर हर्षवर्धन राणे की बात करें जो आज फिल्म जगत के बहुत फेमस एक्टर हैं जिन्होंने अपनी फिल्म की शुरुआत तेलुगु सिनेमा से की थी। इन्होंने तेलुगु फिल्म ताकिया तकिया से जाना जाता है। हर्षवर्धन ने बॉलीवुड सिनेमा में साल 2016 में आई फिल्म सनम तेरी कसम में डेब्यू किया था। इस फिल्म में दर्शकों द्वारा इन्हें काफ़ी पसंद किया गया। अपनी पहली फिल्म के बाद हर्ष अपनी दूसरी फिल्म तेज नज़र आते हैं। अब वह क्राइम थ्रिलर फिल्म हसीन दिलरुबा से एक बार फिर बॉलीवुड में अपना जादू चलाने वाले हैं। हसीन दिलरुबा तैस, पलटन, फिदा, अवनी, अनामिका, माया, अवनी 2, बंगाल टाइगर, K7,
यारों की बात आदि कई सारी मूवीज में काम किया है। इन्होंने अपनी सारी फिल्म में एक बेहतरीन रोल अदा किया है जो आज आपको देखना ही चाहिए। वहीं इनकी एक मूवी इंस्पेक्टर विजयन जो एक तेलुगु मूवी है उसमें भी उनका एक बेहतरीन रोल है। इन्हें अपने अच्छे रोल के लिए कई सारे अवार्ड भी मिल चुके हैं। वहीं हम मावरी हुसैन की बात करें तो ये पाकिस्तानी मॉडल हैं जिन्होंने अपनी फिल्म जवानी फिर नहीं आनी 2 और सनम तेरी कसम में ही काम किया है। यह बॉलीवुड में एक बेहतरीन एक्ट्रेस के तौर पर लोगों के सामने आई है। इस मूवी में इनका इमोशनल सीन लोगों को बहुत इमोशनल बना देते हैं। इस फिल्म को देखने के बाद आपके आंखों में आंसू तो ज़रूर आएंगे, साथ में कुछ दिल को हल्का भी महसूस होगा क्योंकि यह फिल्म लोगों के दिलों के साथ ज़रूर खेलेगा। फिल्म में हीरो हीरोइन की केमिस्ट्री भी आपको बहुत अच्छी लगेगी। गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। तथा आप इन दोनों में से किस कैरेक्टर की फिल्म का एक्सप्लेनेशन हमारे इस चैनल पर देखना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तथा ज़्यादा अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है सनम तेरी कसम। यह मूवी 5 फरवरी 2016 को थिएटर में रिलीज हुई थी। इस मूवी का टोटल बजट 5 करोड़ का था। वहीं इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 9 करोड़ की कमाई करी। जहां 84% लोगों ने इस मूवी को पसंद किया है वहीं इसकी IMDb रेटिंग 7.5 out of 10 है। इस मूवी के डायरेक्टर राधिका राव और विनय सप्रू हैं। वहीं इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर हिमेश रेशमिया हैं। हर्षवर्धन राणे और मावरी हुसैन इस मूवी में लीड रोल के एक्टर हैं। सनम तेरी कसम एक भारतीय रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसके निर्माता दीपक मुकुट जी हैं। यह फिल्म एरिक सैगल की नॉवल लव स्टोरी पर आधारित है। मावरा हुसैन ने इस फिल्म में बॉलीवुड में डेब्यू किया है। झूम झूम प्रोडक्शन झरोसा नाव के साथ मिलकर इस फिल्म को रिलीज किया गया था। ये तो हो गई कुछ मूवी की छोटी सी इन्फॉर्मेशन। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, एक बात और, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तथा हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। मूवी की स्टार्टिंग वकील इंद्रलाल परिहार से शुरू होती है जो अदालत के एक मामले को जीत चुका है। सभी उसे बधाई दे रहे होते हैं परंतु इंद्र घर लौटता है और एक बोतल उठाकर उसके घर के पीछे एक पेड़ के सामने जाता है। वहाँ एक कब्र के नाम और तारीख को देखकर वो रोने लगता है और शराब पीने लगता है। वो कब्र उसकी पत्नी की थी। इसके बाद वो अपने पिछले समय के बारे में सोचने लगता है। सरस्वती उस स्वरूप एक जवान लाइब्रेरियन रहती है। उसके रहने और तैयार होने के तरीके के कारण सभी उसे बदसूरत समझते हैं। उसकी खूबसूरत बहन का भी शादी करना चाहती है लेकिन उसके पिता पहले स्वरूप की शादी करने के बारे में सोचते हैं। कावेरी का प्रेमी उसे 1 महीने का समय देता है और कहता है कि अगर उसने 1 महीने में उससे शादी नहीं की तो वो उसे छोड़कर चला जाएगा। इस कारण दोनों बहनों में तनाव उत्पन्न हो जाता है। इस तरह स्वरूप के ऊपर अपने लिए जल्द से जल्द जीवन साथी ढूंढने का दबाव बन जाता है। स्वरूप के परिवार का वहाँ काफ़ी इज्जत और सम्मान भी होता है। वे जिस बिल्डिंग में रहते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं, वहाँ कुछ बुजुर्ग जिसमें स्वरूप के पिता भी शामिल हैं देख रेख करते रहते हैं। किसी भी प्रकार की घटिया हरकत बर्दाश्त भी नहीं करते। एक दिन स्वरूप के पिता स्वरूप अपने पड़ोस में रहने वाले इंद्र के पास जाती हैं जो एक अमीर और प्रसिद्ध वकील का बेटा होता है। वो अपनी प्रेमिका रूबी मल्होत्रा के साथ दिखता है जिसे जयराम को इंद्र के ऊपर गुस्सा आ जाता है। उसी दौरान इंद्र की मुलाकात स्वरूप से होती है।
वो उसकी सादगी और खूबसूरती को देखकर उसकी ओर आकर्षित होता है। वहीं सरू के मन में अभिमन्यु शास्त्री की छाया रहती है जो अमीर और खूबसूरत है। जब अभिमन्यु को पता चलता है कि सरू उसके ऊपर लट्टू है तो वो इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है, उसे अजीब अजीब तरह की काम करने को कहता है। इंद्र कई बार लाइब्रेरी में आता जाता है और सरू से पूर्व बंदी के पढ़ने लायक किताबें को खरीदता है और उसके बारे में जानकारी भी लेता है। कई बार इनकार के बाद सरू को लगता है कि उसे अपने भीतर बदलाव लाना पड़ेगा, तभी उसे पति मिल सकता है। उसके माता पिता शहर छोड़कर बाहर जा रहे होते हैं, इसी कारण वो इंद्र से मदद मांगने जाती है। उसके अपार्टमेंट में वो सुबह के 4 बजे जाती है। जब रूबी घर आती है तो उसे लगता है कि इंद्र उसे धोखा दे रहा है और वो एक कांच का बोतल सरू के ऊपर फेंक देती है, पर बीच में इंद्र आ जाता है और उसके हाथ में बोतल लगकर फूट जाती है, जिससे इंद्र के हाथों से खून निकलने लगता है। सरू से इंद्र घर जाने को कहता है, पर सरू को लगता है कि उसके हाथ की चोट उसकी वजह से लगी है, इस कारण चोट की वो मरहम पट्टी करने लगती है। इसी में रात गुजर जाती है। वहाँ का चौकीदार उन दोनों पर नज़र रखने लगता है। अगले दिन जब सरू के माता पिता यात्रा से थोड़ा पहले ही घर आ जाते हैं तो वहाँ लोग उन्हें बताते हैं कि सरू ने इंद्र के साथ रात गुजारी है। पहले तो जयराम को विश्वास ही नहीं होता कि उसकी बेटी ने ऐसा कुछ किया है, लेकिन जब वो अपनी बेटी को इंद्र के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखता है तो उसे उन लोगों की बात पर यकीन हो जाता है। सरू उन्हें समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पिता उसकी एक भी नहीं सुनते और बोल देते हैं कि अब वो उनके लिए मर चुकी है। सरू अपनी माँ को सारी बात बताती है, उसकी माँ विश्वास भी कर लेती है, लेकिन वो अपने पति से नहीं कह पाती। सरू को लगता है कि अगर वो किसी अच्छे लड़के से शादी कर लेगी तो उसके पिता उसे स्वीकार कर लेंगे। इंद्र उसके लिए अपार्टमेंट में जगह की तलाश करने में मदद करता है, साथ ही उसके पहनावे आदि को बदलने की वो बहुत कोशिश करता है। इसी बीच इंद्र सरू से प्यार करने लगता है, पर अभिमन्यु सरू से शादी के लिए पूछता है तो इंद्र अपने दिल की बात दिल में ही छुपा लेता है। अभिमन्यु उसे शादी के दिन ही छोड़ देता है, क्योंकि उसके पिता को ऐसी बहू नहीं चाहिए होती है जिसके पिता ने उसे स्वीकार नहीं किया हो। सरू का दिल टूट जाता है, उसे लगता है कि उसके पिता के अस्वीकार करने के बाद अब उसकी शादी नहीं हो सकती। वो अपने हनीमून सूट तक आती है और इंद्र को कहती है कि वो उसे सातवाना देने के लिए प्यार करें। पहले तो इंद्र इकार कर देता है, पर बाद में मान जाता है। अगली सुबह वो सरू के साथ अभिमन्यु को देखता है। इंद्र को लगता है कि अभिमन्यु के साथ वो वापस जा चुकी है। उसका दिल टूट जाता है जब उसे पता चलता है कि सरू ने अभिमन्यु के अनुरोध को स्वीकार कर दिया है, तो वो उसके फ़ोन से उसे ढूंढते हुए बौद्ध मठ जाता है। वो उसे अपने प्यार का इजहार करता है, पर सरू बेहोश हो जाती है। इंद्र उसे अस्पताल ले जाता है, वहाँ पता चलता है कि उसे अब लाइलाज बीमारी है, इस कारण वो जल्दी ही मरने वाली है। यह बात पता चलते ही सरू के माता पिता के घर में जबरन घुस जाता है और उनसे अपनी बेटी को मरा हुआ ना मानने को कहता है। अगले दिन पुलिस उसे जयराम के कहने पर गिरफ्तार कर लेती है। सरू अस्पताल से छूटने के बाद लाइब्रेरी चली जाती है। वहाँ उसे इंद्र के छोड़े हुए कुछ लेटर मिलते हैं, जिसे में उसे एहसास होता है कि इंद्र उससे बहुत पहले से ही प्यार करता है। इंद्र किसी तरह लाइब्रेरी आ जाता है, वो दोनों वहाँ मिलते हैं। सरू उससे शादी करने को कहती है। एक रात सरू की उसके मौत के बाद वो चाहती है कि उसकी कब्र एक पेड़ के नीचे दफनाई जाए। वो ये भी कहती है कि उसके पिता का दिया हुआ श्राप सच साबित हो रहा है।
वो असल में मरने वाली है। इंद्र उसे कहता है कि भगवान कभी श्राप को स्वीकार नहीं करते, और शिव कहते हैं कि भगवान माता पिता की प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। शादी का दिन आता है। स्वरूप के माता पिता अपनी गलती का एहसास होने के बाद उन दोनों को शादी में आने को कहते हैं। शादी के बाद स्वरूप बेहोश हो जाती है। अस्पताल में डॉक्टर कहते हैं कि वो मरने वाली है। इंद्र अपने पिता से उस पेड़ वाली जमीन को खरीदने की विनती करता है जिसके नीचे वो स्वरूप को दफनाना चाहते हैं। स्वरूप की मौत इंद्र के हाथों में हो जाती है। उससे पहले इंद्र उसकी मांग भर के उसे सुहागन बनाता है। बाद में दिखाया जाता है कि इंद्र एक सफल वकील बन चुका है। सरूर के कब्र के आगे खड़ा होता है। वो बोलता है कि उसे सफल देखकर वो सरूर जरूर खुश हो रही होगी। वो कहता है कि वो उसे याद करता है और शाश्वत सच्चे प्यार करने का वादा भी करता है। यही मूवी का डी एंड हो जाता है। अब यदि इस मूवी के लीड रोल कैरेक्टर की बात करें तो हर्षवर्धन ने इंद्र परिहार, मावरा हुसैन ने सरस्वती पारसारथी, मनीष चौधरी ने जयराम पारसारथी स्वरूप के पिता, प्योमरी मोहता ने स्वरूप की माँ, देवता सिंह ने कावेरी पारसारथी स्वरूप की बहन, सुदेश बोरी ने राजेंद्र परिहार, अनुराग सिन्हा ने अभिमन्यु शास्त्री, मुरली शर्मा ने पुलिस अफसर, श्रद्धा दास ने रूबी मल्होत्रा और रवि शर्मा ने पंडित जी का रोल किया है। जहाँ इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर हिमेश रेशमिया हैं, तो वहीं इस मूवी के कुछ गानों ने लोगों के दिलों में एक अलग ही जगह बना ली है। यह मूवी इमोशनल से भरी हुई है, तो इसके गाने भी कुछ इमोशनल वाले भी हैं और कुछ कॉमेडी वाले भी। जहाँ सनम तेरी कसम गाना लोगों को बहुत पसंद आया, वहीं खींच मेरी फ़ोटो लोगों को डांस करने पर मजबूर कर ही देता है। वहीं इस मूवी के लीड रोल कैरेक्टर हर्षवर्धन राणे की बात करें, जो आज फिल्म जगत के बहुत फेमस एक्टर हैं, जिन्होंने अपनी फिल्म की शुरुआत तेलुगु सिनेमा से की थी। इन्होंने तेलुगु फिल्म ताकिया ताकिया से जाना जाता है। हर्षवर्धन ने बॉलीवुड सिनेमा में साल 2016 में आई फिल्म सनम तेरी कसम में डेब्यू किया था। इस फिल्म में दर्शकों द्वारा इन्हें काफ़ी पसंद किया गया। अपनी पहली फिल्म के बाद हर्ष अपनी दूसरी फिल्म तेज नज़र आते हैं। अब वह क्राइम थ्रिलर फिल्म हसीन दिलरुबा से एक बार फिर बॉलीवुड में अपना जादू चलाने वाले हैं। हसीन दिलरुबा तेज, पलटन, फिदा, अवनी, अनामिका, माया, अवनी टू, बंगाल टाइगर, K7, यारों की बात आदि कई सारी मूवीज़ में काम किया है। इन्होंने अपनी सारी फिल्म में एक बेहतरीन रोल अदा किया है, जो आज आपको देखना ही चाहिए। वहीं इनकी एक मूवी इंस्पेक्टर विजय, जो एक तेलुगु मूवी है, उसमें भी उनका एक बेहतरीन रोल है। इन्हें अपने अच्छे रोल के लिए कई सारे अवार्ड भी मिल चुके हैं। वहीं हम मावरी हुसैन की बात करें तो ये पाकिस्तानी मॉडल हैं, जिन्होंने अपनी फिल्म जवानी फिर नहीं आनी 2 और सनम तेरी कसम में ही काम किया है। यह बॉलीवुड में एक बेहतरीन एक्ट्रेस के तौर पर लोगों के सामने आए हैं। इस मूवी में इनका इमोशनल सीन लोगों को बहुत इमोशनल बना देते हैं। इस फिल्म को देखने के बाद आपके आंखों में आंसू तो ज़रूर आएंगे, साथ में कुछ दिल को हल्का भी महसूस होगा, क्योंकि यह फिल्म लोगों के दिलों के साथ जरूर खेलेगा। फिल्म में हीरो हीरोइन की केमिस्ट्री भी आपको बहुत अच्छी लगेगी। गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, तथा आप इन दोनों में से किस कैरेक्टर की फिल्म का एक्सप्लेनेशन हमारे इस चैनल पर देखना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, तथा ज़्यादा अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, उस मूवी का नाम है सनम तेरी कसम। यह मूवी 5 फरवरी 2016 को थिएटर में रिलीज हुई थी। इस
मूवी का टोटल बजट 5 करोड़ का था, वहीं इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 9 करोड़ की कमाई करी। जहां 84% लोगों ने इस मूवी को पसंद किया है, वहीं इसकी IMDb रेटिंग 7.5 आउट ऑफ 10 है। इस मूवी के डायरेक्टर राधिका राव और विनय सप्रू हैं। वहीं इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर हिमेश रेशमिया हैं। हर्षवर्धन राणे और मावरी हुसैन इस मूवी में लीड रोल के एक्टर हैं। सनम तेरी कसम एक भारतीय रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसके निर्माता दीपक मुकुट जी हैं। यह फिल्म एरिक सैगल की नॉवल लव स्टोरी पर आधारित है। मावरा हुसैन ने इस फिल्म में बॉलीवुड में डेब्यू किया है। झूम झूम प्रोडक्शन झरोसा नाव के साथ मिलकर इस फिल्म को रिलीज किया गया था। ये तो हो गई कुछ मूवी की छोटी सी इन्फॉर्मेशन। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस एक बात हो, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, तथा हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। मूवी की स्टार्टिंग वकील इंद्रलाल परिहार से शुरू होती है, जो अदालत के एक मामले को जीत चुका है। सभी उसे बधाई दे रहे होते हैं, परंतु इंद्र घर लौटता है और एक बोतल उठाकर उसके घर के पीछे एक पेड़ के सामने जाता है। वहाँ एक कब्र के नाम और तारीख को देखकर वो रोने लगता है और शराब पीने लगता है। वो कब्र उसकी पत्नी की थी। इसके बाद वो अपने पिछले समय के बारे में सोचने लगता है। सरस्वती उस स्वरूप एक जवान लाइब्रेरियन रहती है। उसके रहने और तैयार होने के तरीके के कारण सभी उसे बदसूरत समझते हैं। उसकी खूबसूरत बहन का भी शादी करना चाहती है, लेकिन उसके पिता पहले स्वरूप की शादी करने के बारे में सोचते हैं। कावेरी का प्रेमी उसे एक महीने का समय देता है और कहता है कि अगर उसने एक महीने में उससे शादी नहीं की तो वो उसे छोड़कर चला जाएगा। इस कारण दोनों बहनों में तनाव उत्पन्न हो जाता है। इस तरह स्वरूप के ऊपर अपने लिए जल्द से जल्द जीवन साथी ढूंढने का दबाव बन जाता है। स्वरूप के परिवार का वहाँ काफ़ी इज्जत और सम्मान भी होता है। वे जिस बिल्डिंग में रहते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं, वहाँ कुछ बुजुर्ग जिसमें स्वरूप के पिता भी शामिल हैं देख रेख करते रहते हैं। किसी भी प्रकार की घटिया हरकत बर्दाश्त भी नहीं करते। एक दिन स्वरूप के पिता स्वरूप अपने पड़ोस में रहने वाले इंद्र के पास जाती है, जो एक अमीर और प्रसिद्ध वकील का बेटा होता है। वो अपनी प्रेमिका रूबी मल्होत्रा के साथ दिखता है, जिसे जयराम को इंद्र के ऊपर गुस्सा आ जाता है। उसी दौरान इंद्र की मुलाकात स्वरूप से होती है। वो उसकी सादगी और खूबसूरती को देखकर उसकी ओर आकर्षित होता है। वहीं स्वरूप के मन में अभिमन्यु शास्त्री की छाया रहती है, जो अमीर और खूबसूरत है। जब अभिमन्यु को पता चलता है कि स्वरूप उसके ऊपर लट्टू है, तो वो इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। उसे अजीब अजीब तरह की काम करने को कहता है। इंद्र कई बार लाइब्रेरी में आता जाता है और स्वरूप से पूर्व बंदी के पढ़ने लायक किताबें को खरीदता है और उसके बारे में जानकारी भी लेता है। कई बार इनकार के बाद स्वरूप को लगता है कि उसे अपने भीतर बदलाव लाना पड़ेगा, तभी उसे पति मिल सकता है। उसके माता पिता शहर छोड़कर बाहर जा रहे होते हैं, इसी कारण वो इंद्र से मदद मांगने जाती है। उसके अपार्टमेंट में वो सुबह के 4 बजे जाती है। जब रूबी घर आती है तो उसे लगता है कि इंद्र उसे धोखा दे रहा है और वो एक कांच का बोतल स्वरूप के ऊपर फेंक देती है, पर बीच में इंद्र आ जाता है और उसके हाथ में बोतल लगकर फूट जाती है, जिससे इंद्र के हाथों से खून निकलने लगता है। स्वरूप से इंद्र घर जाने को कहता है, पर स्वरूप को लगता है कि उसके हाथ की चोट उसकी वजह से लगी है। इस कारण चोट की वो मरहम पट्टी करने लगती है। इसी में रात गुजर जाती है। वहाँ का चौकीदार उन दोनों पर नज़र रखने लगता है। अगले दिन जब स्वरूप के माता पिता यात्रा से थोड़ा पहले ही घर आ जाते हैं, तो वहाँ लोग उन्हें बताते हैं कि स्वरूप ने इंद्र के साथ रात गुजारी है। पहले तो जयराम को विश्वास ही नहीं होता कि उसकी बेटी ने ऐसा कुछ किया है।
लेकिन जब वो अपनी बेटी को इंद्र के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखता है तो उसे उन लोगों की बात पर यकीन हो जाता है। सरू उन्हें समझाने की कोशिश करती है लेकिन उसके पिता उसकी एक भी नहीं सुनते और बोल देते हैं कि अब वो उनके लिए मर चुकी है। सरू अपनी माँ को सारी बात बताती है, उसकी माँ विश्वास भी कर लेती है लेकिन वो अपने पति से नहीं कह पाती। सरू को लगता है कि अगर वो किसी अच्छे लड़के से शादी कर लेगी तो उसके पिता उसे स्वीकार कर लेंगे। इंद्र उसके लिए अपार्टमेंट में जगह की तलाश करने में मदद करता है, साथ ही उसके पहनावे आदि को बदलने की वो बहुत कोशिश करता है। इसी बीच इंद्र सरूर से प्यार करने लगता है, पर अभिमन्यु सरूर से शादी के लिए पूछता है तो इंद्र अपने दिल की बात दिल में ही छुपा लेता है। अभिमन्यु उसे शादी के दिन ही छोड़ देता है क्योंकि उसके पिता को ऐसी बहू नहीं चाहिए होती है जिसके पिता ने उसे स्वीकार नहीं किया हो। सरूर का दिल टूट जाता है, उसे लगता है कि उसके पिता के अस्वीकार करने के बाद अब उसकी शादी नहीं हो सकती। वो अपने हनीमून सूट तक आती है और इंद्र को कहती है कि वो उसे सातवाना देने के लिए प्यार करे। पहले तो इंद्र इकार कर देता है पर बाद में मान जाता है। अगली सुबह वो सरू के साथ अभिमन्यु को देखता है। इंद्र को लगता है कि अभिमन्यु के साथ वो वापस जा चुकी है, उसका दिल टूट जाता है। जब उसे पता चलता है कि सरू ने अभिमन्यु के अनुरोध को स्वीकार कर दिया है तो वो उसके फ़ोन से उसे ढूंढते हुए बौद्ध मठ जाता है। वो उसे अपने प्यार का इजहार करता है पर सरू बेहोश हो जाती है। इंद्र उसे अस्पताल ले जाता है, वहाँ पता चलता है कि उसे अब लाइलाज बीमारी है, इस कारण वो जल्दी ही मरने वाली है। यह बात पता चलते ही सरू के माता पिता के घर में जबरन घुस जाता है और उनसे अपनी बेटी को मरा हुआ ना मानने को कहता है। अगले दिन पुलिस उसे जयराम के कहने पर गिरफ्तार कर लेती है। सरू अस्पताल से छूटने के बाद लाइब्रेरी चली जाती है, वहाँ उसे इंद्र के छोड़े हुए कुछ लेटर मिलते हैं जिसे में उसे एहसास होता है कि इंद्र उससे बहुत पहले से ही प्यार करता है। इंद्र किसी तरह लाइब्रेरी आ जाता है, वो दोनों वहाँ मिलते हैं। सरू उससे शादी करने को कहती है। एक रात सरू की उसके मौत के बाद वो चाहती है कि उसकी कब्र एक पेड़ के नीचे दफनाई जाए। वो ये भी कहती है कि उसके पिता का दिया हुआ श्राप सच साबित हो रहा है, वो असल में मरने वाली है। इंद्र उसे कहता है कि भगवान कभी श्राप को स्वीकार नहीं करते और शुरू कहते हैं कि भगवान माता पिता की प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। शादी का दिन आता है, शुरू के माता पिता अपनी गलती का एहसास होने के बाद उन दोनों को शादी में आने को कहते हैं। शादी के बाद सरू बेहोश हो जाती है, अस्पताल में डॉक्टर कहते हैं कि वो मरने वाली है। इंद्र अपने पिता से उस पेड़ वाली ज़मीन को खरीदने की विनती करता है जिसके नीचे वो सरू को दफनाना चाहते हैं। सरू की मौत इंद्र के हाथों में हो जाती है, उससे पहले इंद्र उसकी मांग भर के उसे सुहागन बनाता है। बाद में दिखाया जाता है कि इंद्र एक सफल वकील बन चुका है, सरूर के कब्र के आगे खड़ा होता है। वो बोलता है कि उसे सफल देखकर वो सरूर जरूर खुश हो रही होगी। वो कहता है कि वो उसे याद करता है और शाश्वत सच्चा प्यार करने का वादा भी करता है। यही मूवी का डी एंड हो जाता है। अब यदि इस मूवी के लीड रोल कैरेक्टर की बात करें तो हर्षवर्धन ने इंद्र परिहार, मावरा हुसैन ने सरस्वती पारसार्थी, मनीष चौधरी ने जयराम पारसास्ती सरू के पिता, प्योमरी मोहता ने सरू की माँ, देवता सिंह ने कावेरी पारसास्ती सरू की बहन, सुदेश बोरी ने राजेंद्र परिहार, अनुराग सिन्हा ने अभिमन्यु शास्त्री, मुरली शर्मा ने पुलिस अफसर, श्रद्धा दास ने रूबी मल्होत्रा और रवि शर्मा ने पंडित जी का रोल किया है। जहाँ इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर हिमेश रेशमिया हैं तो वहीं इस मूवी के कुछ गानों ने लोगों के दिलों में एक अलग ही जगह बना ली है। यह मूवी इमोशनल से भरी हुई है,
तो इसके गाने भी कुछ इमोशनल वाले भी हैं और कुछ कॉमेडी वाले भी। जहां सनम तेरी कसम गाना लोगों को बहुत पसंद आया, वहीं खींच मेरी फ़ोटो लोगों को डांस करने पर मजबूर कर ही देता है। वहीं इस मूवी के लीड रोल करेक्टर हर्षवर्धन राणे की बात करें, जो आज फिल्म जगत के बहुत फेमस एक्टर हैं, जिन्होंने अपनी फिल्म की शुरुआत तेलुगु सिनेमा से की थी। इन्होंने तेलुगु फिल्म ताकिया तकिया से जाना जाता है। हर्षवर्धन ने बॉलीवुड सिनेमा में साल 2016 में आई फिल्म सनम तेरी कसम में डेब्यू किया था। इस फिल्म में दर्शकों द्वारा इन्हें काफ़ी पसंद किया गया। अपनी पहली फिल्म के बाद हर्ष अपनी दूसरी फिल्म तेज नज़र आते हैं। अब वह क्राइम थ्रिलर फिल्म हसीन दिलरुबा से एक बार फिर बॉलीवुड में अपना जादू चलाने वाले हैं। हसीन दिलरुबा तेज, पलटन, फिदा, अवनी, अनामिका, माया, अवनी टू, बंगाल टाइगर, K7, यारों की बात आदि कई सारी मूवीज़ में काम किया है। इन्होंने अपनी सारी फिल्म में एक बेहतरीन रोल अदा किया है, जो आज आपको देखना ही चाहिए। वहीं इनकी एक मूवी इंस्पेक्टर विजय, जो एक तेलुगु मूवी है, उसमें भी उनका एक बेहतरीन रोल है। इन्हें अपने अच्छे रोल के लिए कई सारे अवार्ड भी मिल चुके हैं। वहीं हम मावरी हुसैन की बात करें, तो ये पाकिस्तानी मॉडल हैं, जिन्होंने अपनी फिल्म जवानी फिर नहीं आनी 2 और सनम तेरी कसम में ही काम किया है। ये बॉलीवुड में एक बेहतरीन एक्ट्रेस के तौर पर लोगों के सामने आए हैं। इस मूवी में इनका इमोशनल सीन लोगों को बहुत इमोशनल बना देते हैं। इस फिल्म को देखने के बाद आपके आंखों में आंसू तो ज़रूर आएंगे, साथ में कुछ दिल को हल्का भी महसूस होगा, क्योंकि यह फिल्म लोगों के दिलों के साथ जरूर खेलेगा। फिल्म में हीरो हीरोइन की केमिस्ट्री भी आपको बहुत अच्छी लगेगी। गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं, तथा आप इन दोनों में से किस कैरेक्टर की फिल्म का एक्सप्लेनेशन हमारे इस चैनल पर देखना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, तथा ज़्यादा अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, उस मूवी का नाम है सनम तेरी कसम। यह मूवी 5 फरवरी 2016 को थिएटर में रिलीज हुई थी। इस मूवी का टोटल बजट 5 करोड़ का था। वहीं इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 9 करोड़ की कमाई करी। जहां 84% लोगों ने इस मूवी को पसंद किया है, वहीं इसकी IMDb रेटिंग 7.5 out of 10 है। इस मूवी के डायरेक्टर राधिका राव और विनय सप्रू हैं। वहीं इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर हिमेश रेशमिया हैं। हर्षवर्धन राणे और मावरी हुसैन इस मूवी में लीड रोल कैरेक्टर हैं। सनम तेरी कसम एक भारतीय रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसके निर्माता दीपक मुकुट जी हैं। यह फिल्म एरिक सैगल की नॉवल लव स्टोरी पर आधारित है। मावरा हुसैन ने इस फिल्म में बॉलीवुड में डेब्यू किया है। झूम झूम प्रोडक्शन झरोसा नाव के साथ मिलकर इस फिल्म को रिलीज किया गया था। ये तो हो गई कुछ मूवी की छोटी सी इन्फॉर्मेशन। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, एक बात और, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, तथा हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। मूवी की स्टार्टिंग वकील इंद्रलाल परिहार से शुरू होती है, जो अदालत के एक मामले को जीत चुका है। सभी उसे बधाई दे रहे होते हैं, परंतु इंद्र घर लौटता है और एक बोतल उठाकर उसके घर के पीछे एक पेड़ के सामने जाता है। वहाँ एक कब्र के नाम और तारीख को देखकर वो रोने लगता है और शराब पीने लगता है। वो कब्र उसकी पत्नी की थी। इसके बाद वो अपने पिछले समय के बारे में सोचने लगता है। सरस्वती उर्फ सरू एक जवान लाइब्रेरियन रहती है। उसके रहने और तैयार होने के तरीके के कारण सभी उसे बदसूरत समझते हैं। उसकी खूबसूरत बहन का भी शादी करना चाहती है,
लेकिन उसके पिता पहले सरू की शादी करने के बारे में सोचते हैं। कावेरी का प्रेमी उसे एक महीने का समय देता है और कहता है कि अगर उसने एक महीने में उससे शादी नहीं की तो वो उसे छोड़कर चला जाएगा। इस कारण दोनों बहनों में तनाव उत्पन्न हो जाता है। इस तरह सरू के ऊपर अपने लिए जल्द से जल्द जीवन साथी ढूंढने का दबाव बन जाता है। सरू के परिवार का वहाँ काफ़ी इज्जत और सम्मान भी होता है। वे जिस बिल्डिंग में रहते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं, वहाँ कुछ बुजुर्ग जिसमें सरू के पिता भी शामिल हैं देख रेख करते रहते हैं, किसी भी प्रकार की घटिया हरकत बर्दाश्त भी नहीं करते। एक दिन सरू के पिता सरू अपने पड़ोस में रहने वाले इंद्र के पास जाती हैं, जो एक अमीर और प्रसिद्ध वकील का बेटा होता है। वो अपनी प्रेमिका रूबी मल्होत्रा के साथ दिखता है, जिसे जयराम को इंद्र के ऊपर गुस्सा आ जाता है। उसी दौरान इंद्र की मुलाकात सरू से होती है। वो उसकी सादगी और खूबसूरती को देखकर उसकी ओर आकर्षित होता है। वहीं सरू के मन में अभिमन्यु शास्त्री की छाया रहती है, जो अमीर और खूबसूरत है। जब अभिमन्यु को पता चलता है कि सरू उसके ऊपर लट्टू है, तो वो इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। उसे अजीब अजीब तरह की काम करने को कहता है। इंद्र कई बार लाइब्रेरी में आता जाता है और सरू से पूर्व बंदी के पढ़ने लायक किताबें को खरीदता है और उसके बारे में जानकारी भी लेता है। कई बार इनकार के बाद सरू को लगता है कि उसे अपने भीतर बदलाव लाना पड़ेगा, तभी उसे पति मिल सकता है। उसके माता पिता शहर छोड़कर बाहर जा रहे होते हैं, इसी कारण वो इंद्र से मदद मांगने जाती है। उसके अपार्टमेंट में वो सुबह के 4 बजे जाती है। जब रूबी घर आती है तो उसे लगता है कि इंद्र उसे धोखा दे रहा है और वो एक कांच का बोतल सरू के ऊपर फेंक देती है, पर बीच में इंद्र आ जाता है और उसके हाथ में बोतल लगकर फूट जाती है, जिससे इंद्र के हाथों से खून निकलने लगता है। सरू से इंद्र घर जाने को कहता है, पर सरू को लगता है कि उसके हाथ की चोट उसकी वजह से लगी है, इस कारण चोट की वो मरहम पट्टी करने लगती है। इसी में रात गुजर जाती है। वहाँ का चौकीदार उन दोनों पर नज़र रखने लगता है। अगले दिन जब सरू के माता पिता यात्रा से थोड़ा पहले ही घर आ जाते हैं, तो वहाँ लोग उन्हें बताते हैं कि सरू ने इंद्र के साथ रात गुजारी है। पहले तो जयराम को विश्वास ही नहीं होता कि उसकी बेटी ने ऐसा कुछ किया है, लेकिन जब वो अपनी बेटी को इंद्र के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखता है तो उसे उन लोगों की बात पर यकीन हो जाता है। सरू उन्हें समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पिता उसकी एक भी नहीं सुनते और बोल देते हैं कि अब वो उनके लिए मर चुकी है। सरू अपनी माँ को सारी बात बताती है। उसकी माँ विश्वास भी कर लेती है, लेकिन वो अपने पति से नहीं कह पाती। सरू को लगता है कि अगर वो किसी अच्छे लड़के से शादी कर लेगी तो उसके पिता उसे स्वीकार कर लेंगे। इंद्र उसके लिए अपार्टमेंट में जगह की तलाश करने में मदद करता है, साथ ही उसके पहनावे आदि को बदलने की वो बहुत कोशिश करता है। इसी बीच इंद्र सरू से प्यार करने लगता है, पर अभिमन्यु सरू से शादी के लिए पूछता है तो इंद्र अपने दिल की बात दिल में ही छुपा लेता है। अभिमन्यु उसे शादी के दिन ही छोड़ देता है, क्योंकि उसके पिता को ऐसी बहू नहीं चाहिए होती है जिसके पिता ने उसे स्वीकार नहीं किया हो। सरू का दिल टूट जाता है। उसे लगता है कि उसके पिता के अस्वीकार करने के बाद अब उसकी शादी नहीं हो सकती। वो अपने हनीमून सीट तक आती है और इंद्र को कहती है कि वो उसे सातवाना देने के लिए प्यार करें। पहले तो इंद्र इकार कर देता है, पर बाद में मान जाता है। अगली सुबह वो सरू के साथ अभिमन्यु को देखता है। इंद्र को लगता है कि अभिमन्यु के साथ वो वापस जा चुकी है। उसका दिल टूट जाता है जब उसे पता चलता है कि सरू ने अभिमन्यु के अनुरोध को स्वीकार कर दिया है। तो वो उसके फ़ोन से उसे ढूंढते हुए बौद्ध
मट जाता है। वो उसे अपने प्यार का इजहार करता है पर सरू बेहोश हो जाती है। इंद्र उसे अस्पताल ले जाता है। वहाँ पता चलता है कि उसे अब लाइलाज बीमारी है, इस कारण वो जल्दी ही मरने वाली है। यह बात पता चलते ही सरू के माता पिता के घर में जबरन घुस जाता है और उनसे अपनी बेटी को मरा हुआ ना मानने को कहता है। अगले दिन पुलिस उसे जयराम के कहने पर गिरफ्तार कर लेती है। सरू अस्पताल से छूटने के बाद लाइब्रेरी चली जाती है। वहाँ उसे इंद्र के छोड़े हुए कुछ लेटर मिलते हैं जिसे में उसे एहसास होता है कि इंद्र उससे बहुत पहले से ही प्यार करता है। इंद्र किसी तरह लाइब्रेरी आ जाता है। वो दोनों वहाँ मिलते हैं। सरू उससे शादी करने को कहती है। एक रात सरू की उसकी मौत के बाद वो चाहती है कि उसकी कब्र एक पेड़ के नीचे दफनाई जाए। वो ये भी कहती है कि उसके पिता का दिया हुआ श्राप सच साबित हो रहा है, वो असल में मरने वाली है। इंद्र उसे कहता है कि भगवान कभी श्राप को स्वीकार नहीं करते और शुरू कहते हैं कि भगवान माता पिता की प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। शादी का दिन आता है। शुरू के माता पिता अपनी गलती का एहसास होने के बाद उन दोनों को शादी में आने को कहते हैं। शादी के बाद सरू बेहोश हो जाती है। अस्पताल में डॉक्टर कहते हैं कि वो मरने वाली है। इंद्र अपने पिता से उस पेड़ वाली जमीन को खरीदने की विनती करता है जिसके नीचे वो सरू को दफनाना चाहते हैं। सरू की मौत इंद्र के हाथों में हो जाती है। उससे पहले इंद्र उसकी मांग भर के उसे सुहागन बनाता है। बाद में दिखाया जाता है कि इंद्र एक सफल वकील बन चुका है। सरूर के कब्र के आगे खड़ा होता है। वो बोलता है कि उसे सफल देखकर वो सरूर जरूर खुश हो रही होगी। वो कहता है कि वो उसे याद करता है और शाश्वत सच्चा प्यार करने का वादा भी करता है। यही मूवी का डी एंड हो जाता है। अब यदि इस मूवी के लीड रोल कैरेक्टर की बात करें तो हर्षवर्धन ने इंद्र परिहार, मावरा हुसैन ने सरस्वती पारसारथी, मनीष चौधरी ने जयराम पारसारथी सरू के पिता, प्योमरी मोहता ने सरू की माँ, देवता सिंह ने कावेरी पारसारथी सरू की बहन, सुदेश बोरी ने राजेंद्र परिहार, अनुराग सिन्हा ने अभिमन्यु शास्त्री, मुरली शर्मा ने पुलिस अफसर, श्रद्धा दास ने रूबी मल्होत्रा और रवि शर्मा ने पंडित जी का रोल किया है। जहाँ इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर हिमेश रेशमिया हैं तो वहीं इस मूवी के कुछ गानों ने लोगों के दिलों में एक अलग ही जगह बना ली है। यह मूवी इमोशनल से भरी हुई है तो इसके गाने भी कुछ इमोशनल वाले भी हैं और कुछ कॉमेडी वाले भी। जहाँ सनम तेरी कसम गाना लोगों को बहुत पसंद आया वहीं खींच मेरी फोटो लोगों को डांस करने पर मजबूर कर ही देता है। वहीं इस मूवी के लीड रोल कैरेक्टर हर्षवर्धन राणे की बात करें जो आज फिल्म जगत के बहुत फेमस एक्टर हैं जिन्होंने अपनी फिल्म की शुरुआत तेलुगु सिनेमा से की थी। इन्होंने तेलुगु फिल्म ताकिया तकिया से जाना जाता है। हर्षवर्धन ने बॉलीवुड सिनेमा में साल 2016 में आई फिल्म सनम तेरी कसम में डेब्यू किया था। इस फिल्म में दर्शकों द्वारा इन्हें काफ़ी पसंद किया गया। अपनी पहली फिल्म के बाद हर्ष अपनी दूसरी फिल्म तेज नज़र आते हैं। अब वह क्राइम थ्रिलर फिल्म हसीन दिलरुबा से एक बार फिर बॉलीवुड में अपना जादू चलाने वाले हैं। हसीन दिलरुबा तेज, पलटन, फिदा, अवनी, अनामिका, माया, अवनी टू, बंगाल टाइगर, K7, यारों की बात आदि कई सारी मूवीज़ में काम किया है। इन्होंने अपनी सारी फिल्म में एक बेहतरीन रोल अदा किया है जो आज आपको देखना ही चाहिए। वहीं इनकी एक मूवी इंस्पेक्टर विजय जो एक तेलुगु मूवी है उसमें भी उनका एक बेहतरीन रोल है। इन्हें अपने अच्छे रोल के लिए कई सारे अवार्ड भी मिल चुके हैं। वहीं हम मावरी हुसैन की बात करें तो ये पाकिस्तानी मॉडल हैं जिन्होंने अपनी फिल्म जवानी फिर नहीं आनी 2 और सनम तेरी कसम में ही काम किया है। यह बॉलीवुड में एक बेहतरीन एक्ट्रेस के तौर पर लोगों के सामने आई है।
इस मूवी में इनका इमोशनल सीन लोगों को बहुत इमोशनल बना देते हैं। इस फिल्म को देखने के बाद आपके आंखों में आंसू तो जरूर आएंगे, साथ में कुछ दिल को हल्का भी महसूस होगा, क्योंकि यह फिल्म लोगों के दिलों के साथ जरूर खेलेगा। फिल्म में हीरो हीरोइन की केमिस्ट्री भी आपको बहुत अच्छी लगेगी। गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, तथा आप इन दोनों में से किस कैरेक्टर की फिल्म का एक्सप्लेनेशन हमारे इस चैनल पर देखना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, तथा ज़्यादा अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है सनम तेरी कसम। यह मूवी 5 फरवरी 2016 को थिएटर में रिलीज हुई थी। इस मूवी का टोटल बजट 5 करोड़ का था, वहीं इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 9 करोड़ की कमाई करी। जहां 84% लोगों ने इस मूवी को पसंद किया है, वहीं इसकी IMDb रेटिंग 7.5 out of 10 है। इस मूवी के डायरेक्टर राधिका राव और विनय सप्रू हैं, वहीं इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर हिमेश रेशमिया हैं। हर्षवर्धन राणे और मावरी हुसैन इस मूवी में लीड रोल कैरेक्टर हैं। सनम तेरी कसम एक भारतीय रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसके निर्माता दीपक मुकुट जी हैं। यह फिल्म एरिक सैगल की नॉवल लव स्टोरी पर आधारित है। मावरा हुसैन ने इस फिल्म में बॉलीवुड में डेब्यू किया है। झूम झूम प्रोडक्शन झरोसा नाव के साथ मिलकर इस फिल्म को रिलीज किया गया था। ये तो हो गई कुछ मूवी की छोटी सी इन्फॉर्मेशन। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, एक बात और, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, तथा हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। मूवी की स्टार्टिंग वकील इंद्रलाल परिहार से शुरू होती है, जो अदालत के एक मामले को जीत चुका है। सभी उसे बधाई दे रहे होते हैं, परंतु इंद्र घर लौटता है और एक बोतल उठाकर उसके घर के पीछे एक पेड़ के सामने जाता है। वहां एक कब्र के नाम और तारीख को देखकर वो रोने लगता है और शराब पीने लगता है। वो कब्र उसकी पत्नी की थी। इसके बाद वो अपने पिछले समय के बारे में सोचने लगता है। सरस्वती उस स्वरूप एक जवान लाइब्रेरियन रहती है। उसके रहने और तैयार होने के तरीके के कारण सभी उसे बदसूरत समझते हैं। उसकी खूबसूरत बहन का भी शादी करना चाहती है, लेकिन उसके पिता पहले स्वरूप की शादी करने के बारे में सोचते हैं। कावेरी का प्रेमी उसे 1 महीने का समय देता है और कहता है कि अगर उसने 1 महीने में उससे शादी नहीं की तो वो उसे छोड़कर चला जाएगा। इस कारण दोनों बहनों में तनाव उत्पन्न हो जाता है। इस तरह स्वरूप के ऊपर अपने लिए जल्द से जल्द जीवन साथी ढूंढने का दबाव बन जाता है। स्वरूप के परिवार का वहाँ काफ़ी इज्जत और सम्मान भी होता है। वे जिस बिल्डिंग में रहते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं, वहाँ कुछ बुजुर्ग जिसमें स्वरूप के पिता भी शामिल हैं देख रेख करते रहते हैं। किसी भी प्रकार की घटिया हरकत बर्दाश्त भी नहीं करते। एक दिन स्वरूप के पिता स्वरूप अपने पड़ोस में रहने वाले इंद्र के पास जाती हैं, जो एक अमीर और प्रसिद्ध वकील का बेटा होता है। वो अपनी प्रेमिका रूबी मल्होत्रा के साथ दिखता है, जिसे जयराम को इंद्र के ऊपर गुस्सा आ जाता है। उसी दौरान इंद्र की मुलाकात स्वरूप से होती है। वो उसकी सादगी और खूबसूरती को देखकर उसकी ओर आकर्षित होता है। वहीं स्वरूप के मन में अभिमन्यु शास्त्री की छाया रहती है, जो अमीर और खूबसूरत है। जब अभिमन्यु को पता चलता है कि स्वरूप उसके ऊपर लट्टू है, तो वो इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। उसे अजीब अजीब तरह की काम करने को कहता है। इंद्र कई बार लाइब्रेरी में आता जाता है और स्वरूप से पूर्व बंदी के पढ़ने लायक किताबें को खरीदता है और उसके बारे में जानकारी भी लेता है। कई बार इनकार के बाद स्वरूप को लगता है कि उसे अपने भीतर बदलाव लाना पड़ेगा, तभी उसे पति मिल सकता है।
उसके माता पिता शहर छोड़कर बाहर जा रहे होते हैं, इसी कारण वो इंद्र से मदद मांगने जाती है। उसके अपार्टमेंट में वो सुबह के 4 बजे जाती है। जब रूबी घर आती है तो उसे लगता है कि इंद्र उसे धोखा दे रहा है और वो एक कांच का बोतल सरू के ऊपर फेंक देती है, पर बीच में इंद्र आ जाता है और उसके हाथ में बोतल लगकर फूट जाती है, जिससे इंद्र के हाथों से खून निकलने लगता है। सरू से इंद्र घर जाने को कहता है, पर सरू को लगता है कि उसके हाथ की चोट उसकी वजह से लगी है, इस कारण चोट की वो मरहम पट्टी करने लगती है। इसी में रात गुजर जाती है। वहाँ का चौकीदार उन दोनों पर नज़र रखने लगता है। अगले दिन जब सरू के माता पिता यात्रा से थोड़ा पहले ही घर आ जाते हैं तो वहाँ लोग उन्हें बताते हैं कि सरू ने इंद्र के साथ रात गुजारी है। पहले तो जयराम को विश्वास ही नहीं होता कि उसकी बेटी ने ऐसा कुछ किया है, लेकिन जब वो अपनी बेटी को इंद्र के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखता है तो उसे उन लोगों की बात पर यकीन हो जाता है। सरू उन्हें समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पिता उसकी एक भी नहीं सुनते और बोल देते हैं कि अब वो उनके लिए मर चुकी है। सरू अपनी माँ को सारी बात बताती है, उसकी माँ विश्वास भी कर लेती है, लेकिन वो अपने पति से नहीं कह पाती। सरू को लगता है कि अगर वो किसी अच्छे लड़के से शादी कर लेगी तो उसके पिता उसे स्वीकार कर लेंगे। इंद्र उसके लिए अपार्टमेंट में जगह की तलाश करने में मदद करता है, साथ ही उसके पहनावे आदि को बदलने की वो बहुत कोशिश करता है। इसी बीच इंद्र सरू से प्यार करने लगता है, पर अभिमन्यु सरू से शादी के लिए पूछता है तो इंद्र अपने दिल की बात दिल में ही छुपा लेता है। अभिमन्यु उसे शादी के दिन ही छोड़ देता है, क्योंकि उसके पिता को ऐसी बहू नहीं चाहिए होती है जिसके पिता ने उसे स्वीकार नहीं किया हो। सरू का दिल टूट जाता है, उसे लगता है कि उसके पिता के अस्वीकार करने के बाद अब उसकी शादी नहीं हो सकती। वो अपने हनीमून सीट तक आती है और इंद्र को कहती है कि वो उसे सातवाना देने के लिए प्यार करें। पहले तो इंद्र इकार कर देता है, पर बाद में मान जाता है। अगली सुबह वो सरू के साथ अभिमन्यु को देखता है। इंद्र को लगता है कि अभिमन्यु के साथ वो वापस जा चुकी है। उसका दिल टूट जाता है जब उसे पता चलता है कि सरू ने अभिमन्यु के अनुरोध को स्वीकार कर दिया है, तो वो उसके फ़ोन से उसे ढूंढते हुए बौद्ध मठ जाता है। वो उसे अपने प्यार का इजहार करता है, पर सरू बेहोश हो जाती है। इंद्र उसे अस्पताल ले जाता है, वहाँ पता चलता है कि उसे अब लाइलाज बीमारी है, इस कारण वो जल्दी ही मरने वाली है। यह बात पता चलते ही सरू के माता पिता के घर में जबरन घुस जाता है और उनसे अपनी बेटी को मरा हुआ ना मानने को कहता है। अगले दिन पुलिस उसे जयराम के कहने पर गिरफ्तार कर लेती है। सरू अस्पताल से छूटने के बाद लाइब्रेरी चली जाती है, वहाँ उसे इंद्र के छोड़े हुए कुछ लेटर मिलते हैं, जिसे में उसे एहसास होता है कि इंद्र उससे बहुत पहले से ही प्यार करता है। इंद्र किसी तरह लाइब्रेरी आ जाता है, वो दोनों वहाँ मिलते हैं। सरू उससे शादी करने को कहती है। एक रात सरू की उसके मौत के बाद वो चाहती है कि उसकी कब्र एक पेड़ के नीचे दफनाई जाए। वो ये भी कहती है कि उसके पिता का दिया हुआ श्राप सच साबित हो रहा है, वो असल में मरने वाली है। इंद्र उसे कहता है कि भगवान कभी श्राप को स्वीकार नहीं करते, और शिव कहते हैं कि भगवान माता पिता की प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। शादी का दिन आता है। स्वरूप के माता पिता अपनी गलती का एहसास होने के बाद उन दोनों को शादी में आने को कहते हैं। शादी के बाद स्वरूप बेहोश हो जाती है। अस्पताल में डॉक्टर कहते हैं कि वो मरने वाली है। इंद्र अपने पिता से उस पेड़ वाली जमीन को खरीदने की विनती करता है, जिसके नीचे वो सरू को दफनाना चाहते हैं। सरू की मौत इंद्र के हाथों में हो जाती है। उससे पहले इंद्र उसकी मांग भर के उसे सुहागन बनाता है।
बाद में दिखाया जाता है कि इंद्र एक सफल वकील बन चुका है। सरूर के कब्र के आगे खड़ा होता है, वो बोलता है कि उसे सफल देखकर वो सरूर जरूर खुश हो रही होगी। वो कहता है कि वो उसे याद करता है और शाश्वत सच्चे प्यार करने का वादा भी करता है। यही मूवी का डी एंड हो जाता है। अब यदि इस मूवी के लीड रोल कैरेक्टर की बात करें तो हर्षवर्धन ने इंद्र परिहार, मावरा हुसैन ने सरस्वती पारसार्थी, मनीष चौधरी ने जयराम पारसार्थी सरूर के पिता, प्योमरी मोहता ने सरूर की माँ, देवता सिंह ने कावेरी पारसार्थी सरूर की बहन, सुदेश बोरी ने राजेंद्र परिहार, अनुराग सिन्हा ने अभिमन्यु शास्त्री, मुरली शर्मा ने पुलिस अफसर, श्रद्धा दास ने रूबी मल्होत्रा और रवि शर्मा ने पंडित जी का रोल किया है। जहाँ इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर हिमेश रेशमिया हैं, तो वहीं इस मूवी के कुछ गानों ने लोगों के दिलों में एक अलग ही जगह बना ली है। यह मूवी इमोशनल से भरी हुई है, तो इसके गाने भी कुछ इमोशनल वाले भी हैं और कुछ कॉमेडी वाले भी। जहाँ सनम तेरी कसम गाना लोगों को बहुत पसंद आया, वहीं खींच मेरी फ़ोटो लोगों को डांस करने पर मजबूर कर ही देता है। वहीं इस मूवी के लीड रोल कैरेक्टर हर्षवर्धन राणे की बात करें, जो आज फिल्म जगत के बहुत फेमस एक्टर हैं, जिन्होंने अपनी फिल्म की शुरुआत तेलुगु सिनेमा से की थी। इन्होंने तेलुगु फिल्म ताकिया तकिया से जाना जाता है। हर्षवर्धन ने बॉलीवुड सिनेमा में साल 2016 में आई फिल्म सनम तेरी कसम में डेब्यू किया था। इस फिल्म में दर्शकों द्वारा इन्हें काफ़ी पसंद किया गया। अपनी पहली फिल्म के बाद हर्ष अपनी दूसरी फिल्म तेज नज़र आते हैं। अब वह क्राइम थ्रिलर फिल्म हसीन दिलरुबा से एक बार फिर बॉलीवुड में अपना जादू चलाने वाले हैं। हसीन दिलरुबा तेज, पलटन, फिदा, अवनी, अनामिका, माया, अवनी टू, बंगाल टाइगर, K7, यारों की बात आदि कई सारी मूवीज़ में काम किया है। इन्होंने अपनी सारी फिल्म में एक बेहतरीन रोल अदा किया है, जो आज आपको देखना ही चाहिए। वहीं इनकी एक मूवी इंस्पेक्टर विजय, जो एक तेलुगु मूवी है, उसमें भी उनका एक बेहतरीन रोल है। इन्हें अपने अच्छे रोल के लिए कई सारे अवार्ड भी मिल चुके हैं। वहीं हम मावरी हुसैन की बात करें तो ये पाकिस्तानी मॉडल हैं, जिन्होंने अपनी फिल्म जवानी फिर नहीं आनी 2 और सनम तेरी कसम में ही काम किया है। यह बॉलीवुड में एक बेहतरीन एक्ट्रेस के तौर पर लोगों के सामने आए हैं। इस मूवी में इनका इमोशनल सीन लोगों को बहुत इमोशनल बना देते हैं। इस फिल्म को देखने के बाद आपके आंखों में आंसू तो जरूर रहेंगे, साथ में कुछ दिल को हल्का भी महसूस होगा, क्योंकि यह फिल्म लोगों के दिलों के साथ जरूर खेलेगा। फिल्म में हीरो हीरोइन की केमिस्ट्री भी आपको बहुत अच्छी लगेगी। गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, तथा आप इन दोनों में से किस कैरेक्टर की फिल्म का एक्सप्लेनेशन हमारे इस चैनल पर देखना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, तथा ज़्यादा अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, उस मूवी का नाम है सनम तेरी कसम। यह मूवी 5 फरवरी 2016 को थिएटर में रिलीज हुई थी। इस मूवी का टोटल बजट 5 करोड़ का था। वहीं इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 9 करोड़ की कमाई करी। जहां 84% लोगों ने इस मूवी को पसंद किया है, वहीं इसकी IMDb रेटिंग 7.5 out of 10 है। इस मूवी के डायरेक्टर राधिका राव और विनय सप्रू हैं। वहीं इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर हिमेश रेशमिया हैं। हर्षवर्धन राणे और मावरी हुसैन इस मूवी में लीड रोल कैरेक्टर हैं। सनम तेरी कसम एक भारतीय रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसके निर्माता दीपक मुकुट जी हैं। यह फिल्म एरिक सैगल की नॉवल लव स्टोरी पर आधारित है। मावरा हुसैन ने इस फिल्म में बॉलीवुड में डेब्यू किया है। झूम झूम प्रोडक्शन झरोसा नाव के साथ
मिलकर इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था। ये तो हो गई कुछ मूवी की छोटी सी इन्फॉर्मेशन। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस एक बात और, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। मूवी की स्टार्टिंग वकील इंद्रलाल परिहार से शुरू होती है, जो अदालत के एक मामले को जीत चुका है। सभी उसे बधाई दे रहे होते हैं, परंतु इंद्र घर लौटता है और एक बोतल उठाकर उसके घर के पीछे एक पेड़ के सामने जाता है। वहाँ एक कब्र के नाम और तारीख को देखकर वो रोने लगता है और शराब पीने लगता है। वो कब्र उसकी पत्नी की थी। इसके बाद वो अपने पिछले समय के बारे में सोचने लगता है। सरस्वती उस स्वरूप एक जवान लाइब्रेरियन रहती है। उसके रहने और तैयार होने के तरीके के कारण सभी उसे बदसूरत समझते हैं। उसकी खूबसूरत बहन का भी शादी करना चाहती है, लेकिन उसके पिता पहले सरू की शादी करने के बारे में सोचते हैं। कावेरी का प्रेमी उसे एक महीने का समय देता है और कहता है कि अगर उसने एक महीने में उससे शादी नहीं की तो वो उसे छोड़कर चला जाएगा। इस कारण दोनों बहनों में तनाव उत्पन्न हो जाता है। इस तरह सरू के ऊपर अपने लिए जल्द से जल्द जीवन साथी ढूंढने का दबाव बन जाता है। सरू के परिवार का वहाँ काफ़ी इज्जत और सम्मान भी होता है। वे जिस बिल्डिंग में रहते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं, वहाँ कुछ बुजुर्ग जिसमें सरू के पिता भी शामिल हैं देख रेख करते रहते हैं। किसी भी प्रकार की घटिया हरकत बर्दाश्त भी नहीं करते। एक दिन सरू के पिता सरू अपने पड़ोस में रहने वाले इंद्र के पास जाती हैं, जो एक अमीर और प्रसिद्ध वकील का बेटा होता है। वो अपनी प्रेमिका रूबी मल्होत्रा के साथ दिखता है, जिसे जयराम को इंद्र के ऊपर गुस्सा आ जाता है। उसी दौरान इंद्र की मुलाकात सरू से होती है। वो उसकी सादगी और खूबसूरती को देखकर उसकी ओर आकर्षित होता है। वहीं सरू के मन में अभिमन्यु शास्त्री की छाया रहती है, जो अमीर और खूबसूरत है। जब अभिमन्यु को पता चलता है कि सरू उसके ऊपर लट्टू है तो वो इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। उसे अजीब अजीब तरह की काम करने को कहता है। इंद्र कई बार लाइब्रेरी में आता जाता है और सरू से पूर्व बंदी के पढ़ने लायक किताबें को खरीदता है और उसके बारे में जानकारी भी लेता है। कई बार इनकार के बाद सरू को लगता है कि उसे अपने भीतर बदलाव लाना पड़ेगा, तभी उसे पति मिल सकता है। उसके माता पिता शहर छोड़कर बाहर जा रहे होते हैं, इसी कारण वो इंद्र से मदद मांगने जाती है। उसके अपार्टमेंट में वो सुबह के 4 बजे जाती है। जब रूबी घर आती है तो उसे लगता है कि इंद्र उसे धोखा दे रहा है और वो एक कांच का बोतल सरू के ऊपर फेंक देती है, पर बीच में इंद्र आ जाता है और उसके हाथ में बोतल लगकर फूट जाती है, जिससे इंद्र के हाथों से खून निकलने लगता है। सरू से इंद्र घर जाने को कहता है, पर सरू को लगता है कि उसके हाथ की चोट उसकी वजह से लगी है, इस कारण चोट की वो मरहम पट्टी करने लगती है। इसी में रात गुजर जाती है। वहाँ का चौकीदार उन दोनों पर नज़र रखने लगता है। अगले दिन जब सरू के माता पिता यात्रा से थोड़ा पहले ही घर आ जाते हैं तो वहाँ लोग उन्हें बताते हैं कि सरू ने इंद्र के साथ रात गुजारी है। पहले तो जयराम को विश्वास ही नहीं होता कि उसकी बेटी ने ऐसा कुछ किया है, लेकिन जब वो अपनी बेटी को इंद्र के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखता है तो उसे उन लोगों की बात पर यकीन हो जाता है। सरू उन्हें समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पिता उसकी एक भी नहीं सुनते और बोल देते हैं कि अब वो उनके लिए मर चुकी है। सरू अपनी माँ को सारी बात बताती है। उसकी माँ विश्वास भी कर लेती है, लेकिन वो अपने पति से नहीं कह पाती। सरू को लगता है कि अगर वो किसी अच्छे लड़के से शादी कर लेगी तो उसके पिता उसे स्वीकार कर लेंगे। इंद्र उसके लिए अपार्टमेंट में जगह की तलाश करने में मदद करता है, साथ ही उसके पहनावे आदि को बदलने की वो बहुत कोशिश करता है।
इसी बीच इंद्र सरूर से प्यार करने लगता है, पर अभिमन्यु सरूर से शादी के लिए पूछता है तो इंद्र अपने दिल की बात दिल में ही छुपा लेता है। अभिमन्यु उसे शादी के दिन ही छोड़ देता है क्योंकि उसके पिता को ऐसी बहू नहीं चाहिए होती है जिसके पिता ने उसे स्वीकार नहीं किया हो। सरूर का दिल टूट जाता है, उसे लगता है कि उसके पिता के अस्वीकार करने के बाद अब उसकी शादी नहीं हो सकती। वो अपने हनीमून स्वीट तक आती है और इंद्र को कहती है कि वो उसे सातवाना देने के लिए प्यार करें। पहले तो इंद्र इकार कर देता है पर बाद में मान जाता है। अगली सुबह वो सरूर के साथ अभिमन्यु को देखता है। इंद्र को लगता है कि अभिमन्यु के साथ वो वापस जा चुकी है। उसका दिल टूट जाता है जब उसे पता चलता है कि सरूर ने अभिमन्यु के अनुरोध को स्वीकार कर दिया है। तो वो उसके फ़ोन से उसे ढूंढते हुए बौद्ध मठ जाता है। वो उसे अपने प्यार का इजहार करता है पर सरूर बेहोश हो जाती है। इंद्र उसे अस्पताल ले जाता है, वहाँ पता चलता है कि उसे अब लाइलाज बीमारी है, इस कारण वो जल्दी ही मरने वाली है। यह बात पता चलते ही सरू के माता पिता के घर में जबरन घुस जाता है और उनसे अपनी बेटी को मरा हुआ ना मानने को कहता है। अगले दिन पुलिस उसे जयराम के कहने पर गिरफ्तार कर लेती है। सरू अस्पताल से छूटने के बाद लाइब्रेरी चली जाती है, वहाँ उसे इंद्र के छोड़े हुए कुछ लेटर मिलते हैं जिसे में उसे एहसास होता है कि इंद्र उससे बहुत पहले से ही प्यार करता है। इंद्र किसी तरह लाइब्रेरी आ जाता है, वो दोनों वहाँ मिलते हैं। सरू उससे शादी करने को कहती है। एक रात सरू की उसके मौत के बाद वो चाहती है कि उसकी कब्र एक पेड़ के नीचे दफनाई जाए। वो ये भी कहती है कि उसके पिता का दिया हुआ श्राप सच साबित हो रहा है, वो असल में मरने वाली है। इंद्र उसे कहता है कि भगवान कभी श्राप को स्वीकार नहीं करते और शुरू कहते हैं कि भगवान माता पिता की प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। शादी का दिन आता है। सरू के माता पिता अपनी गलती का एहसास होने के बाद उन दोनों को शादी में आने को कहते हैं। शादी के बाद सरू बेहोश हो जाती है। अस्पताल में डॉक्टर कहते हैं कि वो मरने वाली है। इंद्र अपने पिता से उस पेड़ वाली जमीन को खरीदने की विनती करता है जिसके नीचे वो सरू को दफनाना चाहते हैं। सरू की मौत इंद्र के हाथों में हो जाती है। उससे पहले इंद्र उसकी मांग भर के उसे सुहागन बनाता है। बाद में दिखाया जाता है कि इंद्र एक सफल वकील बन चुका है। सरूर के कब्र के आगे खड़ा होता है, वो बोलता है कि उसे सफल देखकर वो सरूर जरूर खुश हो रही होगी। वो कहता है कि वो उसे याद करता है और शाश्वत सच्चा प्यार करने का वादा भी करता है। यही मूवी का डी एंड हो जाता है। अब यदि इस मूवी के लीड रोल कैरेक्टर की बात करें तो हर्षवर्धन ने इंद्र परिहार, मावरा हुसैन ने सरस्वती पारसारथी, मनीष चौधरी ने जयराम पारसारथी सरू के पिता, प्योमरी मोहता ने सरू की माँ, देवता सिंह ने कावेरी पारसारथी सरू की बहन, सुदेश बोरी ने राजेंद्र परिहार, अनुराग सिन्हा ने अभिमन्यु शास्त्री, मुरली शर्मा ने पुलिस अफसर, श्रद्धा दास ने रूबी मल्होत्रा और रवि शर्मा ने पंडित जी का रोल किया है। जहाँ इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर हिमेश रेशमिया हैं तो वहीं इस मूवी के कुछ गानों ने लोगों के दिलों में एक अलग ही जगह बना ली है। यह मूवी इमोशनल से भरी हुई है तो इसके गाने भी कुछ इमोशनल वाले भी हैं और कुछ कॉमेडी वाले भी। जहाँ सनम तेरी कसम गाना लोगों को बहुत पसंद आया, वहीं खींच मेरी फ़ोटो लोगों को डांस करने पर मजबूर कर ही देता है। वहीं इस मूवी के लीड रोल कैरेक्टर हर्षवर्धन राणे की बात करें जो आज फिल्म जगत के बहुत फेमस एक्टर हैं, जिन्होंने अपनी फिल्म की शुरुआत तेलुगु सिनेमा से की थी। इन्होंने तेलुगु फिल्म ताकिया तकिया से जाना जाता है। हर्षवर्धन ने बॉलीवुड सिनेमा में साल 2016 में आई फिल्म सनम तेरी कसम में डेब्यू किया था। इस फिल्म में दर्शकों द्वारा इन्हें काफ़ी पसंद किया गया। अपनी पहली फिल्म के बाद हर्ष अपनी दूसरी फिल्म तेज नज़र आते हैं।
अब वह क्राइम थ्रिलर फिल्म हसीन दिलरुबा से एक बार फिर बॉलीवुड में अपना जादू चलाने वाले हैं। हसीन दिलरुबा तैस, पलटन, फिदा, अवनी, अनामिका, माया, अवनी टू, बंगाल टाइगर, K7, यारों की बात आदि कई सारी मूवीज़ में काम किया है। इन्होंने अपने सारी फिल्म में एक बेहतरीन रोल अदा किया है जो आज आपको देखना ही चाहिए। वहीं इनकी एक मूवी इंस्पेक्टर विजय जो एक तेलुगु मूवी है उसमें भी उनका एक बेहतरीन रोल है। इन्हें अपने अच्छे रोल के लिए कई सारे अवार्ड भी मिल चुके हैं। वहीं हम मावरी हुसैन की बात करें तो ये पाकिस्तानी मॉडल हैं जिन्होंने अपनी फिल्म जवानी फिर नहीं आनी 2 और सनम तेरी कसम में ही काम किया है। यह बॉलीवुड में एक बेहतरीन एक्ट्रेस के तौर पर लोगों के सामने आई हैं। इस मूवी में इनका इमोशनल सीन लोगों को बहुत इमोशनल बना देते हैं। इस फिल्म को देखने के बाद आपके आंखों में आंसू तो ज़रूर आएंगे, साथ में कुछ दिल को हल्का भी महसूस होगा क्योंकि यह फिल्म लोगों के दिलों के साथ ज़रूर खेलेगा। फिल्म में हीरो हीरोइन की केमिस्ट्री भी आपको बहुत अच्छी लगेगी। गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। तथा आप इन दोनों में से किस कैरेक्टर की फिल्म का एक्सप्लेनेशन हमारे इस चैनल पर देखना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तथा ज़्यादा अपडेट के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है सनम तेरी कसम। यह मूवी 5 फरवरी 2016 को थिएटर में रिलीज हुई थी। इस मूवी का टोटल बजट 5 करोड़ का था। वहीं इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 9 करोड़ की कमाई करी। जहां 84% लोगों ने इस मूवी को पसंद किया है वहीं इसकी IMDb रेटिंग 7.5 out of 10 है। इस मूवी के डायरेक्टर राधिका राव और विनय सप्रू हैं। वहीं इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर हिमेश रेशमिया हैं। हर्षवर्धन राणे और मावरी हुसैन इस मूवी में लीड रोल के एक्टर हैं। सनम तेरी कसम एक भारतीय रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसके निर्माता दीपक मुकुट जी हैं। यह फिल्म एरिक सैगल की नॉवल लव स्टोरी पर आधारित है। मावरा हुसैन ने इस फिल्म में बॉलीवुड में डेब्यू किया है। झूम झूम प्रोडक्शन झरोसा नाव के साथ मिलकर इस फिल्म को रिलीज किया गया था। ये तो हो गई कुछ मूवी की छोटी सी इंफॉर्मेशन। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, एक बात और, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तथा हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। मूवी की स्टार्टिंग वकील इंद्रलाल परिहार से शुरू होती है जो अदालत के एक मामले को जीत चुका है। सभी उसे बधाई दे रहे होते हैं परंतु इंद्र घर लौटता है और एक बोतल उठाकर उसके घर के पीछे एक पेड़ के सामने जाता है। वहाँ एक कब्र के नाम और तारीख को देखकर वो रोने लगता है और शराब पीने लगता है। वो कब्र उसकी पत्नी की थी। इसके बाद वो अपने पिछले समय के बारे में सोचने लगता है। सरस्वती उस स्वरूप एक जवान लाइब्रेरियन रहती है। उसके रहने और तैयार होने के तरीके के कारण सभी उसे बदसूरत समझते हैं। उसकी खूबसूरत बहन का भी शादी करना चाहती है लेकिन उसके पिता पहले स्वरूप की शादी करने के बारे में सोचते हैं। कावेरी का प्रेमी उसे 1 महीने का समय देता है और कहता है कि अगर उसने 1 महीने में उससे शादी नहीं की तो वो उसे छोड़कर चला जाएगा। इस कारण दोनों बहनों में तनाव उत्पन्न हो जाता है। इस तरह स्वरूप के ऊपर अपने लिए जल्द से जल्द जीवन साथी ढूंढने का दबाव बन जाता है। स्वरूप के परिवार का वहाँ काफ़ी इज्जत और सम्मान भी होता है। वे जिस बिल्डिंग में रहते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं, वहाँ कुछ बुजुर्ग जिसमें स्वरूप के पिता भी शामिल हैं देख रेख करते रहते हैं। किसी भी प्रकार की घटिया हरकत बर्दाश्त भी नहीं करते। एक दिन स्वरूप के पिता स्वरूप अपने पड़ोस में रहने वाले इंद्र के पास जाती हैं।
जो एक अमीर और प्रसिद्ध वकील का बेटा होता है। वो अपनी प्रेमिका रूबी मल्होत्रा के साथ दिखता है, जिसे जयराम को इंद्र के ऊपर गुस्सा आ जाता है। उसी दौरान इंद्र की मुलाकात सरूस होती है। वो उसकी सादगी और खूबसूरती को देखकर उसकी ओर आकर्षित होता है। वहीं सरू के मन में अभिमन्यु शास्त्री की छाया रहती है, जो अमीर और खूबसूरत है। जब अभिमन्यु को पता चलता है कि सरू उसके ऊपर लट्टू है, तो वो इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। उसे अजीब अजीब तरह की काम करने को कहता है। इंद्र कई बार लाइब्रेरी में आता जाता है और सरू से पूर्व बंदी के पढ़ने लायक किताबें को खरीदता है और उसके बारे में जानकारी भी लेता है। कई बार इनकार के बाद सरू को लगता है कि उसे अपने भीतर बदलाव लाना पड़ेगा, तभी उसे पति मिल सकता है। उसके माता पिता शहर छोड़कर बाहर जा रहे होते हैं, इसी कारण वो इंद्र से मदद मांगने जाती है। उसके अपार्टमेंट में वो सुबह के 4 बजे जाती है। जब रूबी घर आती है तो उसे लगता है कि इंद्र उसे धोखा दे रहा है और वो एक कांच का बोतल सरू के ऊपर फेंक देती है, पर बीच में इंद्र आ जाता है और उसके हाथ में बोतल लगकर फूट जाती है, जिससे इंद्र के हाथों से खून निकलने लगता है। सरू से इंद्र घर जाने को कहता है, पर सरू को लगता है कि उसके हाथ की चोट उसकी वजह से लगी है, इस कारण चोट की वो मरहम पट्टी करने लगती है। इसी में रात गुजर जाती है। वहाँ का चौकीदार उन दोनों पर नज़र रखने लगता है। अगले दिन जब सरू के माता पिता यात्रा से थोड़ा पहले ही घर आ जाते हैं, तो वहाँ लोग उन्हें बताते हैं कि सरू ने इंद्र के साथ रात गुजारी है। पहले तो जयराम को विश्वास ही नहीं होता कि उसकी बेटी ने ऐसा कुछ किया है, लेकिन जब वो अपनी बेटी को इंद्र के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखता है, तो उसे उन लोगों की बात पर यकीन हो जाता है। सरू उन्हें समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पिता उसकी एक भी नहीं सुनते और बोल देते हैं कि अब वो उनके लिए मर चुकी है। सरू अपनी माँ को सारी बात बताती है। उसकी माँ विश्वास भी कर लेती है, लेकिन वो अपने पति से नहीं कह पाती। सरू को लगता है कि अगर वो किसी अच्छे लड़के से शादी कर लेगी तो उसके पिता उसे स्वीकार कर लेंगे। इंद्र उसके लिए अपार्टमेंट में जगह की तलाश करने में मदद करता है, साथ ही उसके पहनावे आदि को बदलने की वो बहुत कोशिश करता है। इसी बीच इंद्र सरू से प्यार करने लगता है, पर अभिमन्यु सरू से शादी के लिए पूछता है, तो इंद्र अपने दिल की बात दिल में ही छुपा लेता है। अभिमन्यु उसे शादी के दिन ही छोड़ देता है, क्योंकि उसके पिता को ऐसी बहू नहीं चाहिए होती है जिसके पिता ने उसे स्वीकार नहीं किया हो। सरू का दिल टूट जाता है। उसे लगता है कि उसके पिता के अस्वीकार करने के बाद अब उसकी शादी नहीं हो सकती। वो अपने हनीमून स्वीट तक आती है और इंद्र को कहती है कि वो उसे सातवाना देने के लिए प्यार करें। पहले तो इंद्र इकार कर देता है, पर बाद में मान जाता है। अगली सुबह वो सरू के साथ अभिमन्यु को देखता है। इंद्र को लगता है कि अभिमन्यु के साथ वो वापस जा चुकी है। उसका दिल टूट जाता है जब उसे पता चलता है कि सरू ने अभिमन्यु के अनुरोध को स्वीकार कर दिया है। तो वो उसके फ़ोन से उसे ढूंढते हुए बौद्ध मठ जाता है। वो उसे अपने प्यार का इजहार करता है, पर सरू बेहोश हो जाती है। इंद्र उसे अस्पताल ले जाता है। वहाँ पता चलता है कि उसे अब लाइलाज बीमारी है, इस कारण वो जल्दी ही मरने वाली है। यह बात पता चलते ही सरू के माता पिता के घर में जबरन घुस जाता है और उनसे अपनी बेटी को मरा हुआ ना मानने को कहता है। अगले दिन पुलिस उसे जयराम के कहने पर गिरफ्तार कर लेती है। सरू अस्पताल से छूटने के बाद लाइब्रेरी चली जाती है। वहाँ उसे इंद्र के छोड़े हुए कुछ लेटर मिलते हैं, जिसे में उसे एहसास होता है कि इंद्र उससे बहुत पहले से ही प्यार करता है। इंद्र किसी तरह लाइब्रेरी आ जाता है। वो दोनों वहाँ मिलते हैं। सरू
उससे शादी करने को कहती है। एक रात शुरू की उसके मौत के बाद वो चाहती है कि उसकी कब्र एक पेड़ के नीचे दफनाई जाए। वो ये भी कहती है कि उसके पिता का दिया हुआ श्राप सच साबित हो रहा है, वो असल में मरने वाली है। इंद्र उसे कहता है कि भगवान कभी श्राप को स्वीकार नहीं करते, और शिव कहते हैं कि भगवान माता पिता की प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। शादी का दिन आता है। स्वरूप के माता पिता अपनी गलती का एहसास होने के बाद उन दोनों को शादी में आने को कहते हैं। शादी के बाद स्वरूप बेहोश हो जाती है। अस्पताल में डॉक्टर कहते हैं कि वो मरने वाली है। इंद्र अपने पिता से उस पेड़ वाली जमीन को खरीदने की विनती करता है जिसके नीचे वो स्वरूप को दफनाना चाहते हैं। स्वरूप की मौत इंद्र के हाथों में हो जाती है। उससे पहले इंद्र उसकी मांग भर के उसे सुहागन बनाता है। बाद में दिखाया जाता है कि इंद्र एक सफल वकील बन चुका है। सरूर के कब्र के आगे खड़ा होता है। वो बोलता है कि उसे सफल देखकर वो सरूर जरूर खुश हो रही होगी। वो कहता है कि वो उसे याद करता है और शाश्वत सच्चे प्यार करने का वादा भी करता है। यही मूवी का डी एंड हो जाता है। अब यदि इस मूवी के लीड रोल कैरेक्टर की बात करें तो हर्षवर्धन ने इंद्र परिहार, मावरा हुसैन ने सरस्वती पारसारथी, मनीष चौधरी ने जयराम पारसारथी सरू के पिता, प्योमरी मोहता ने सरू की माँ, देवता सिंह ने कावेरी पारसारथी सरू की बहन, सुदेश बोरी ने राजेंद्र परिहार, अनुराग सिन्हा ने अभिमन्यु शास्त्री, मुरली शर्मा ने पुलिस अफसर, श्रद्धा दास ने रूबी मल्होत्रा और रवि शर्मा ने पंडित जी का रोल किया है। जहाँ इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर हिमेश रेशमिया हैं, तो वहीं इस मूवी के कुछ गानों ने लोगों के दिलों में एक अलग ही जगह बना ली है। यह मूवी इमोशनल से भरी हुई है, तो इसके गाने भी कुछ इमोशनल वाले भी हैं और कुछ कॉमेडी वाले भी। जहाँ सनम तेरी कसम गाना लोगों को बहुत पसंद आया, वहीं खींच मेरी फ़ोटो लोगों को डांस करने पर मजबूर कर ही देता है। वहीं इस मूवी के लीड रोल कैरेक्टर हर्षवर्धन राणे की बात करें, जो आज फिल्म जगत के बहुत फेमस एक्टर हैं, जिन्होंने अपनी फिल्म की शुरुआत तेलुगु सिनेमा से की थी। इन्होंने तेलुगु फिल्म ताकिया तकिया से जाना जाता है। हर्षवर्धन ने बॉलीवुड सिनेमा में साल 2016 में आई फिल्म सनम तेरी कसम में डेब्यू किया था। इस फिल्म में दर्शकों द्वारा इन्हें काफ़ी पसंद किया गया। अपनी पहली फिल्म के बाद हर्ष अपनी दूसरी फिल्म तेज नज़र आते हैं। अब वह क्राइम थ्रिलर फिल्म हसीन दिलरुबा से एक बार फिर बॉलीवुड में अपना जादू चलाने वाले हैं। हसीन दिलरुबा तेज, पलटन, फिदा, अवनी, अनामिका, माया, अवनी 2, बंगाल टाइगर, K7, यारों की बात आदि कई सारी मूवीज़ में काम किया है। इन्होंने अपनी सारी फिल्म में एक बेहतरीन रोल अदा किया है, जो आज आपको देखना ही चाहिए। वहीं इनकी एक मूवी इंस्पेक्टर विजय, जो एक तेलुगु मूवी है, उसमें भी उनका एक बेहतरीन रोल है। इन्हें अपने अच्छे रोल के लिए कई सारे अवार्ड भी मिल चुके हैं। वहीं हम मावरी हुसैन की बात करें तो ये पाकिस्तानी मॉडल हैं, जिन्होंने अपनी फिल्म जवानी फिर नहीं आनी 2 और सनम तेरी कसम में ही काम किया है। यह बॉलीवुड में एक बेहतरीन एक्ट्रेस के तौर पर लोगों के सामने आए हैं। इस मूवी में इनका इमोशनल सीन लोगों को बहुत इमोशनल बना देते हैं। इस फिल्म को देखने के बाद आपके आंखों में आंसू तो जरूर आएंगे, साथ में कुछ दिल को हल्का भी महसूस होगा, क्योंकि यह फिल्म लोगों के दिलों के साथ जरूर खेलेगा। फिल्म में हीरो हीरोइन की केमिस्ट्री भी आपको बहुत अच्छी लगेगी। गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, तथा आप इन दोनों में से किस कैरेक्टर की फिल्म का एक्सप्लेनेशन हमारे इस चैनल पर देखना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, तथा ज़्यादा अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।
हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है सनम तेरी कसम। यह मूवी 5 फरवरी 2016 को थिएटर में रिलीज हुई थी। इस मूवी का टोटल बजट 5 करोड़ का था, वहीं इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 9 करोड़ की कमाई करी। जहां 84% लोगों ने इस मूवी को पसंद किया है, वहीं इसकी IMDb रेटिंग 7.5 आउट ऑफ 10 है। इस मूवी के डायरेक्टर राधिका राव और विनय सप्रू हैं। वहीं इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर हिमेश रेशमिया हैं। हर्षवर्धन राणे और मावरी हुसैन इस मूवी में लीड रोल के एक्टर हैं। सनम तेरी कसम एक भारतीय रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसके निर्माता दीपक मुकुट जी हैं। यह फिल्म एरिक सैगल की नॉवल लव स्टोरी पर आधारित है। मावरा हुसैन ने इस फिल्म में बॉलीवुड में डेब्यू किया है। झूम झूम प्रोडक्शन झरोसा नाव के साथ मिलकर इस फिल्म को रिलीज किया गया था। ये तो हो गई कुछ मूवी की छोटी सी इंफॉर्मेशन। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस एक बात और, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। मूवी की स्टार्टिंग वकील इंद्रलाल परिहार से शुरू होती है, जो अदालत के एक मामले को जीत चुका है। सभी उसे बधाई दे रहे होते हैं, परंतु इंद्र घर लौटता है और एक बोतल उठाकर उसके घर के पीछे एक पेड़ के सामने जाता है। वहां एक कब्र के नाम और तारीख को देखकर वो रोने लगता है और शराब पीने लगता है। वो कब्र उसकी पत्नी की थी। इसके बाद वो अपने पिछले समय के बारे में सोचने लगता है। सरस्वती उस स्वरूप एक जवान लाइब्रेरियन रहती है। उसके रहने और तैयार होने के तरीके के कारण सभी उसे बदसूरत समझते हैं। उसकी खूबसूरत बहन काबेरी शादी करना चाहती है, लेकिन उसके पिता पहले स्वरूप की शादी करने के बारे में सोचते हैं। काबेरी का प्रेमी उसे 1 महीने का समय देता है और कहता है कि अगर उसने 1 महीने में उससे शादी नहीं की तो वो उसे छोड़कर चला जाएगा। इस कारण दोनों बहनों में तनाव उत्पन्न हो जाता है। इस तरह स्वरूप के ऊपर अपने लिए जल्द से जल्द जीवन साथी ढूंढने का दबाव बन जाता है। स्वरूप के परिवार का वहाँ काफ़ी इज्जत और सम्मान भी होता है। वे जिस बिल्डिंग में रहते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं, वहाँ कुछ बुजुर्ग जिसमें स्वरूप के पिता भी शामिल हैं देख रेख करते रहते हैं। किसी भी प्रकार की घटिया हरकत बर्दाश्त भी नहीं करते। एक दिन स्वरूप के पिता स्वरूप अपने पड़ोस में रहने वाले इंद्र के पास जाती हैं, जो एक अमीर और प्रसिद्ध वकील का बेटा होता है। वो अपनी प्रेमिका रूबी मल्होत्रा के साथ दिखता है, जिसे जयराम को इंद्र के ऊपर गुस्सा आ जाता है। उसी दौरान इंद्र की मुलाकात स्वरूप से होती है। वो उसकी सादगी और खूबसूरती को देखकर उसकी ओर आकर्षित होता है। वहीं स्वरूप के मन में अभिमन्यु शास्त्री की छाया रहती है, जो अमीर और खूबसूरत है। जब अभिमन्यु को पता चलता है कि स्वरूप उसके ऊपर लट्टू है, तो वो इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। उसे अजीब अजीब तरह की काम करने को कहता है। इंद्र कई बार लाइब्रेरी में आता जाता है और स्वरूप से पूर्व बंदी के पढ़ने लायक किताबें को खरीदता है और उसके बारे में जानकारी भी लेता है। कई बार इनकार के बाद स्वरूप को लगता है कि उसे अपने भीतर बदलाव लाना पड़ेगा, तभी उसे पति मिल सकता है। उसके माता पिता शहर छोड़कर बाहर जा रहे होते हैं, इसी कारण वो इंद्र से मदद मांगने जाती है। उसके अपार्टमेंट में वो सुबह के 4 बजे जाती है। जब रूबी घर आती है तो उसे लगता है कि इंद्र उसे धोखा दे रहा है और वो एक कांच का बोतल स्वरूप के ऊपर फेंक देती है, पर बीच में इंद्र आ जाता है और उसके हाथ में बोतल लगकर फूट जाती है, जिससे इंद्र के हाथों से खून निकलने लगता है। स्वरूप से इंद्र घर जाने को कहता है, पर स्वरूप को लगता है कि उसके हाथ की चोट उसकी वजह से लगी है। इस कारण चोट की वो मरहम पट्टी करने लगती है। इसी में रात गुजर जाती है। वहाँ का चौकीदार उन दोनों पर नज़र रखने लगता है। अगले दिन जब स्वरूप के माता पिता यात्रा से थोड़ा पहले ही घर आ जाते हैं, तो वहाँ लोग
उन्हें बताते हैं कि सरू ने इंद्र के साथ रात गुजारी है। पहले तो जयराम को विश्वास ही नहीं होता कि उसकी बेटी ने ऐसा कुछ किया है, लेकिन जब वो अपनी बेटी को इंद्र के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखता है तो उसे उन लोगों की बात पर यकीन हो जाता है। सरू उन्हें समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पिता उसकी एक भी नहीं सुनते और बोल देते हैं कि अब वो उनके लिए मर चुकी है। सरू अपनी माँ को सारी बात बताती है, उसकी माँ विश्वास भी कर लेती है, लेकिन वो अपने पति से नहीं कह पाती। सरू को लगता है कि अगर वो किसी अच्छे लड़के से शादी कर लेगी तो उसके पिता उसे स्वीकार कर लेंगे। इंद्र उसके लिए अपार्टमेंट में जगह की तलाश करने में मदद करता है, साथ ही उसके पहनावे आदि को बदलने की वो बहुत कोशिश करता है। इसी बीच इंद्र सरू से प्यार करने लगता है, पर अभिमन्यु सरू से शादी के लिए पूछता है तो इंद्र अपने दिल की बात दिल में ही छुपा लेता है। अभिमन्यु उसे शादी के दिन ही छोड़ देता है, क्योंकि उसके पिता को ऐसी बहू नहीं चाहिए होती है जिसके पिता ने उसे स्वीकार नहीं किया हो। सरू का दिल टूट जाता है, उसे लगता है कि उसके पिता के अस्वीकार करने के बाद अब उसकी शादी नहीं हो सकती। वो अपने हनीमून सीट तक आती है और इंद्र को कहती है कि वो उसे सातवाना देने के लिए प्यार करें। पहले तो इंद्र इकार कर देता है, पर बाद में मान जाता है। अगली सुबह वो सरू के साथ अभिमन्यु को देखता है। इंद्र को लगता है कि अभिमन्यु के साथ वो वापस जा चुकी है। उसका दिल टूट जाता है जब उसे पता चलता है कि सरू ने अभिमन्यु के अनुरोध को स्वीकार कर दिया है, तो वो उसके फ़ोन से उसे ढूंढते हुए बौद्ध मठ जाता है। वो उसे अपने प्यार का इजहार करता है, पर सरू बेहोश हो जाती है। इंद्र उसे अस्पताल ले जाता है, वहाँ पता चलता है कि उसे अब लाइलाज बीमारी है, इस कारण वो जल्दी ही मरने वाली है। यह बात पता चलते ही सरू के माता पिता के घर में जबरन घुस जाता है और उनसे अपनी बेटी को मरा हुआ ना मानने को कहता है। अगले दिन पुलिस उसे जयराम के कहने पर गिरफ्तार कर लेती है। सरू अस्पताल से छूटने के बाद लाइब्रेरी चली जाती है, वहाँ उसे इंद्र के छोड़े हुए कुछ लेटर मिलते हैं जिसे में उसे एहसास होता है कि इंद्र उससे बहुत पहले से ही प्यार करता है। इंद्र किसी तरह लाइब्रेरी आ जाता है, वो दोनों वहाँ मिलते हैं। सरू उससे शादी करने को कहती है। एक रात सरू की उसके मौत के बाद वो चाहती है कि उसकी कब्र एक पेड़ के नीचे दफनाई जाए। वो ये भी कहती है कि उसके पिता का दिया हुआ श्राप सच साबित हो रहा है, वो असल में मरने वाली है। इंद्र उसे कहता है कि भगवान कभी श्राप को स्वीकार नहीं करते, और शुरू कहते हैं कि भगवान माता पिता की प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। शादी का दिन आता है। सरू के माता पिता अपनी गलती का एहसास होने के बाद उन दोनों को शादी में आने को कहते हैं। शादी के बाद सरू बेहोश हो जाती है। अस्पताल में डॉक्टर कहते हैं कि वो मरने वाली है। इंद्र अपने पिता से उस पेड़ वाली जमीन को खरीदने की विनती करता है जिसके नीचे वो सरू को दफनाना चाहते हैं। सरू की मौत इंद्र के हाथों में हो जाती है। उससे पहले इंद्र उसकी मांग भर के उसे सुहागन बनाता है। बाद में दिखाया जाता है कि इंद्र एक सफल वकील बन चुका है। सरू के कब्र के आगे खड़ा होता है, वो बोलता है कि उसे सफल देखकर वो सरू जरूर खुश हो रही होगी। वो कहता है कि वो उसे याद करता है और शाश्वत सच्चा प्यार करने का वादा भी करता है। यही मूवी का डी एंड हो जाता है। अब यदि इस मूवी के लीड रोल कैरेक्टर की बात करें तो हर्षवर्धन ने इंद्र परिहार, मावरा हुसैन ने सरस्वती पारसारथी, मनीष चौधरी ने जयराम पारसारथी सरू के पिता, प्योमरी मोहता ने सरू की माँ, देवता सिंह ने कावेरी पारसारथी सरू की बहन, सुदेश बोरी ने राजेंद्र परिहार, अनुराग सिन्हा ने अभिमन्यु शास्त्री, मुरली शर्मा ने पुलिस अफसर, श्रद्धा दास ने रूबी मल्होत्रा और रवि शर्मा ने पंडित जी का रोल किया है।
जहाँ इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर हिमेश रेशमिया हैं, तो वहीं इस मूवी के कुछ गानों ने लोगों के दिलों में एक अलग ही जगह बना ली है। यह मूवी इमोशनल से भरी हुई है, तो इसके गाने भी कुछ इमोशनल वाले भी हैं और कुछ कॉमेडी वाले भी। जहाँ सनम तेरी कसम गाना लोगों को बहुत पसंद आया, वहीं खींच मेरी फ़ोटो लोगों को डांस करने पर मजबूर कर ही देता है। वहीं इस मूवी के लीड रोल करेक्टर हर्षवर्धन राणे की बात करें, जो आज फिल्म जगत के बहुत फेमस एक्टर हैं, जिन्होंने अपनी फिल्म की शुरुआत तेलुगु सिनेमा से की थी। इन्होंने तेलुगु फिल्म ताकिया तकिया से जाना जाता है। हर्षवर्धन ने बॉलीवुड सिनेमा में साल 2016 में आई फिल्म सनम तेरी कसम में डेब्यू किया था। इस फिल्म में दर्शकों द्वारा इन्हें काफ़ी पसंद किया गया। अपनी पहली फिल्म के बाद हर्ष अपनी दूसरी फिल्म तेज नज़र आते हैं। अब वह क्राइम थ्रिलर फिल्म हसीन दिलरुबा से एक बार फिर बॉलीवुड में अपना जादू चलाने वाले हैं। हसीन दिलरुबा तेज, पलटन, फिदा, अवनी, अनामिका, माया, अवनी टू, बंगाल टाइगर, K7, यारों की बात आदि कई सारी मूवीज़ में काम किया है। इन्होंने अपनी सारी फिल्म में एक बेहतरीन रोल अदा किया है, जो आज आपको देखना ही चाहिए। वहीं इनकी एक मूवी इंस्पेक्टर विजय, जो एक तेलुगु मूवी है, उसमें भी इनका एक बेहतरीन रोल है। इन्हें अपने अच्छे रोल के लिए कई सारे अवार्ड भी मिल चुके हैं। वहीं हम मावली हुसैन की बात करें, तो ये पाकिस्तानी मॉडल हैं, जिन्होंने अपनी फिल्म जवानी फिर नहीं आनी 2 और सनम तेरी कसम में ही काम किया है। ये बॉलीवुड में एक बेहतरीन एक्ट्रेस के तौर पर लोगों के सामने आए हैं। इस मूवी में इनका इमोशनल सीन लोगों को बहुत इमोशनल बना देते हैं। इस फिल्म को देखने के बाद आपके आंखों में आंसू तो ज़रूर आएंगे, साथ में कुछ दिल को हल्का भी महसूस होगा, क्योंकि ये फिल्म लोगों के दिलों के साथ ज़रूर खेलेगा। फिल्म में हीरो हीरोइन की केमिस्ट्री भी आपको बहुत अच्छी लगेगी। गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं, तथा आप इन दोनों में से किस कैरेक्टर की फिल्म का एक्सप्लेनेशन हमारे इस चैनल पर देखना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, तथा ज़्यादा अपडेट के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, उस मूवी का नाम है सनम तेरी कसम। यह मूवी 5 फरवरी 2016 को थिएटर में रिलीज हुई थी। इस मूवी का टोटल बजट 5 करोड़ का था। वहीं इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 9 करोड़ की कमाई करी। जहां 84% लोगों ने इस मूवी को पसंद किया है, वहीं इसकी IMDb रेटिंग 7.5 out of 10 है। इस मूवी के डायरेक्टर राधिका राव और विनय सप्रू हैं। वहीं इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर हिमेश रेशमिया हैं। हर्षवर्धन राणे और मावरी हुसैन इस मूवी में लीड रोल के एक्टर हैं। सनम तेरी कसम एक भारतीय रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसके निर्माता दीपक मुकुट जी हैं। यह फिल्म एरिक सैगल की नॉवल लव स्टोरी पर आधारित है। मावरा हुसैन ने इस फिल्म में बॉलीवुड में डेब्यू किया है। झूम झूम प्रोडक्शन झरोसा नाव के साथ मिलकर इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था। ये तो हो गई कुछ मूवी की छोटी सी इंफॉर्मेशन। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, एक बात और, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, तथा हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। मूवी की स्टार्टिंग वकील इंद्रलाल परिहार से शुरू होती है, जो अदालत के एक मामले को जीत चुका है। सभी उसे बधाई दे रहे होते हैं, परंतु इंद्र घर लौटता है और एक बोतल उठाकर उसके घर के पीछे एक पेड़ के सामने जाता है। वहां एक कब्र के नाम और तारीख को देखकर वो रोने लगता है और शराब पीने लगता है। वो कब्र उसकी पत्नी की थी। इसके बाद वो अपने पिछले समय के बारे में सोचने लगता है।
सरस्वती उस स्वरूप एक जवान लाइब्रेरियन रहती है। उसके रहने और तैयार होने के तरीके के कारण सभी उसे बदसूरत समझते हैं। उसकी खूबसूरत बहन का भी शादी करना चाहती है, लेकिन उसके पिता पहले स्वरूप की शादी करने के बारे में सोचते हैं। कावेरी का प्रेमी उसे एक महीने का समय देता है और कहता है कि अगर उसने एक महीने में उससे शादी नहीं की तो वो उसे छोड़कर चला जाएगा। इस कारण दोनों बहनों में तनाव उत्पन्न हो जाता है। इस तरह स्वरूप के ऊपर अपने लिए जल्द से जल्द जीवन साथी ढूंढने का दबाव बन जाता है। स्वरूप के परिवार का वहाँ काफ़ी इज्जत और सम्मान भी होता है। वे जिस बिल्डिंग में रहते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं, वहाँ कुछ बुजुर्ग जिसमें स्वरूप के पिता भी शामिल हैं देख रेख करते रहते हैं। किसी भी प्रकार की घटिया हरकत बर्दाश्त भी नहीं करते। एक दिन स्वरूप के पिता स्वरूप अपने पड़ोस में रहने वाले इंद्र के पास जाती हैं, जो एक अमीर और प्रसिद्ध वकील का बेटा होता है। वो अपनी प्रेमिका रूबी मल्होत्रा के साथ दिखता है, जिसे जयराम को इंद्र के ऊपर गुस्सा आ जाता है। उसी दौरान इंद्र की मुलाकात स्वरूप से होती है। वो उसकी सादगी और खूबसूरती को देखकर उसकी ओर आकर्षित होता है। वहीं स्वरूप के मन में अभिमन्यु शास्त्री की छाया रहती है, जो अमीर और खूबसूरत है। जब अभिमन्यु को पता चलता है कि स्वरूप उसके ऊपर लट्टू है, तो वो इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। उसे अजीब अजीब तरह की काम करने को कहता है। इंद्र कई बार लाइब्रेरी में आता जाता है और स्वरूप से पूर्व बंदी के पढ़ने लायक किताबें को खरीदता है और उसके बारे में जानकारी भी लेता है। कई बार इनकार के बाद स्वरूप को लगता है कि उसे अपने भीतर बदलाव लाना पड़ेगा, तभी उसे पति मिल सकता है। उसके माता पिता शहर छोड़कर बाहर जा रहे होते हैं, इसी कारण वो इंद्र से मदद मांगने जाती है। उसके अपार्टमेंट में वो सुबह के 4 बजे जाती है। जब रूबी घर आती है तो उसे लगता है कि इंद्र उसे धोखा दे रहा है और वो एक कांच का बोतल स्वरूप के ऊपर फेंक देती है, पर बीच में इंद्र आ जाता है और उसके हाथ में बोतल लगकर फूट जाती है, जिससे इंद्र के हाथों से खून निकलने लगता है। स्वरूप से इंद्र घर जाने को कहता है, पर स्वरूप को लगता है कि उसके हाथ की चोट उसकी वजह से लगी है। इस कारण चोट की वो मरहम पट्टी करने लगती है। इसी में रात गुजर जाती है। वहाँ का चौकीदार उन दोनों पर नज़र रखने लगता है। अगले दिन जब स्वरूप के माता पिता यात्रा से थोड़ा पहले ही घर आ जाते हैं, तो वहाँ लोग उन्हें बताते हैं कि स्वरूप ने इंद्र के साथ रात गुजारी है। पहले तो जयराम को विश्वास ही नहीं होता कि उसकी बेटी ने ऐसा कुछ किया है, लेकिन जब वो अपनी बेटी को इंद्र के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखता है तो उसे उन लोगों की बात पर यकीन हो जाता है। स्वरूप उन्हें समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पिता उसकी एक भी नहीं सुनते और बोल देते हैं कि अब वो उनके लिए मर चुकी है। स्वरूप अपनी माँ को सारी बात बताती है। उसकी माँ विश्वास भी कर लेती है, लेकिन वो अपने पति से नहीं कह पाती। स्वरूप को लगता है कि अगर वो किसी अच्छे लड़के से शादी कर लेगी तो उसके पिता उसे स्वीकार कर लेंगे। इंद्र उसके लिए अपार्टमेंट में जगह की तलाश करने में मदद करता है, साथ ही उसके पहनावे आदि को बदलने की वो बहुत कोशिश करता है। इसी बीच इंद्र स्वरूप से प्यार करने लगता है, पर अभिमन्यु स्वरूप से शादी के लिए पूछता है तो इंद्र अपने दिल की बात दिल में ही छुपा लेता है। अभिमन्यु उसे शादी के दिन ही छोड़ देता है, क्योंकि उसके पिता को ऐसी बहू नहीं चाहिए होती है जिसके पिता ने उसे स्वीकार नहीं किया हो। स्वरूप का दिल टूट जाता है। उसे लगता है कि उसके पिता के अस्वीकार करने के बाद अब उसकी शादी नहीं हो सकती। वो अपने हनीमून सीट तक आती है और इंद्र को कहती है कि वो उसे सातवाना देने के लिए प्यार करें। पहले तो इंद्र इकार कर देता है, पर बाद में मान जाता है। अगली सुबह वो स्वरूप के साथ अभिमन्यु को देखता है। इंद्र को लगता है कि अभिमन्यु के साथ
वो वापस जा चुकी है। उसका दिल टूट जाता है जब उसे पता चलता है कि सरू ने अभिमन्यु के अनुरोध को स्वीकार कर दिया है। तो वो उसके फ़ोन से उसे ढूंढते हुए बौद्ध मठ जाता है। वो उसे अपने प्यार का इजहार करता है पर सरू बेहोश हो जाती है। इंद्र उसे अस्पताल ले जाता है। वहाँ पता चलता है कि उसे अब लाइलाज बीमारी है, इस कारण वो जल्दी ही मरने वाली है। यह बात पता चलते ही सरू के माता पिता के घर में जबरन घुस जाता है और उनसे अपनी बेटी को मरा हुआ ना मानने को कहता है। अगले दिन पुलिस उसे जयराम के कहने पर गिरफ्तार कर लेती है। सरू अस्पताल से छूटने के बाद लाइब्रेरी चली जाती है। वहाँ उसे इंद्र के छोड़े हुए कुछ लेटर मिलते हैं जिसे में उसे एहसास होता है कि इंद्र उससे बहुत पहले से ही प्यार करता है। इंद्र किसी तरह लाइब्रेरी आ जाता है। वो दोनों वहाँ मिलते हैं। सरू उससे शादी करने को कहती है। एक रात सरू की उसके मौत के बाद वो चाहती है कि उसकी कब्र एक पेड़ के नीचे दफनाई जाए। वो ये भी कहती है कि उसके पिता का दिया हुआ श्राप सच साबित हो रहा है, वो असल में मरने वाली है। इंद्र उसे कहता है कि भगवान कभी श्राप को स्वीकार नहीं करते और शुरू कहते हैं कि भगवान माता पिता की प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। शादी का दिन आता है। शुरू के माता पिता अपनी गलती का एहसास होने के बाद उन दोनों को शादी में आने को कहते हैं। शादी के बाद सरू बेहोश हो जाती है। अस्पताल में डॉक्टर कहते हैं कि वो मरने वाली है। इंद्र अपने पिता से उस पेड़ वाली जमीन को खरीदने की विनती करता है जिसके नीचे वो सरू को दफनाना चाहते हैं। सरू की मौत इंद्र के हाथों में हो जाती है। उससे पहले इंद्र उसकी मांग भर के उसे सुहागन बनाता है। बाद में दिखाया जाता है कि इंद्र एक सफल वकील बन चुका है। सरूर के कब्र के आगे खड़ा होता है। वो बोलता है कि उसे सफल देखकर वो सरूर जरूर खुश हो रही होगी। वो कहता है कि वो उसे याद करता है और शाश्वत सच्चे प्यार करने का वादा भी करता है। यही मूवी का डी एंड हो जाता है। अब यदि इस मूवी के लीड रोल कैरेक्टर की बात करें तो हर्षवर्धन ने इंद्र परिहार, मावरा हुसैन ने सरस्वती पारसारथी, मनीष चौधरी ने जयराम पारसारथी सरू के पिता, प्योमरी मोहता ने सरू की माँ, देवता सिंह ने कावेरी पारसारथी सरू की बहन, सुदेश बोरी ने राजेंद्र परिहार, अनुराग सिन्हा ने अभिमन्यु शास्त्री, मुरली शर्मा ने पुलिस अफसर, श्रद्धा दास ने रूबी मल्होत्रा और रवि शर्मा ने पंडित जी का रोल किया है। जहाँ इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर हिमेश रेशमिया हैं तो वहीं इस मूवी के कुछ गानों ने लोगों के दिलों में एक अलग ही जगह बना ली है। यह मूवी इमोशनल से भरी हुई है तो इसके गाने भी कुछ इमोशनल वाले भी हैं और कुछ कॉमेडी वाले भी। जहाँ सनम तेरी कसम गाना लोगों को बहुत पसंद आया वहीं खींच मेरी फ़ोटो लोगों को डांस करने पर मजबूर कर ही देता है। वहीं इस मूवी के लीड रोल कैरेक्टर हर्षवर्धन राणे की बात करें जो आज फिल्म जगत के बहुत फेमस एक्टर हैं जिन्होंने अपनी फिल्म की शुरुआत तेलुगु सिनेमा से की थी। इन्होंने तेलुगु फिल्म ताकिया तकिया से जाना जाता है। हर्षवर्धन ने बॉलीवुड सिनेमा में साल 2016 में आई फिल्म सनम तेरी कसम में डेब्यू किया था। इस फिल्म में दर्शकों द्वारा इन्हें काफ़ी पसंद किया गया। अपनी पहली फिल्म के बाद हर्ष अपनी दूसरी फिल्म तेज नज़र आते हैं। अब वह क्राइम थ्रिलर फिल्म हसीन दिलरुबा से एक बार फिर बॉलीवुड में अपना जादू चलाने वाले हैं। हसीन दिलरुबा तेज, पलटन, फिदा, अवनी, अनामिका, माया, अवनी टू, बंगाल टाइगर, K7, यारों की बात आदि कई सारी मूवीज़ में काम किया है। इन्होंने अपनी सारी फिल्म में एक बेहतरीन रोल अदा किया है जो आज आपको देखना ही चाहिए। वहीं इनकी एक मूवी इंस्पेक्टर विजय जो एक तेलुगु मूवी है उसमें भी उनका एक बेहतरीन रोल है। इन्हें अपने अच्छे रोल के लिए कई सारे अवार्ड भी मिल चुके हैं। वहीं हम मावरी हुसैन की बात करें तो ये पाकिस्तानी मॉडल हैं
जिन्होंने अपनी फिल्म जवानी फिर नहीं आनी 2 और सनम तेरी कसम में ही काम किया है। यह बॉलीवुड में एक बेहतरीन एक्ट्रेस के तौर पर लोगों के सामने आई है। इस मूवी में इनका इमोशनल सीन लोगों को बहुत इमोशनल बना देते हैं। इस फिल्म को देखने के बाद आपके आंखों में आंसू तो ज़रूर आएंगे, साथ में कुछ दिल को हल्का भी महसूस होगा, क्योंकि यह फिल्म लोगों के दिलों के साथ ज़रूर खेलेगा। फिल्म में हीरो हीरोइन की केमिस्ट्री भी आपको बहुत अच्छी लगेगी। गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं, तथा आप इन दोनों में से किस कैरेक्टर की फिल्म का एक्सप्लेनेशन हमारे इस चैनल पर देखना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, तथा ज़्यादा अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है सनम तेरी कसम। यह मूवी 5 फरवरी 2016 को थिएटर में रिलीज हुई थी। इस मूवी का टोटल बजट 5 करोड़ का था, वहीं इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 9 करोड़ की कमाई करी। जहां 84% लोगों ने इस मूवी को पसंद किया है, वहीं इसकी IMDb रेटिंग 7.5 out of 10 है। इस मूवी के डायरेक्टर राधिका राव और विनय सप्रू हैं, वहीं इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर हिमेश रेशमिया हैं। हर्षवर्धन राणे और मावरी हुसैन इस मूवी में लीड रोल के एक्टर हैं। सनम तेरी कसम एक भारतीय रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसके निर्माता दीपक मुकुट जी हैं। यह फिल्म एरिक सैगल की नॉवल लव स्टोरी पर आधारित है। मावरा हुसैन ने इस फिल्म में बॉलीवुड में डेब्यू किया है। झूम झूम प्रोडक्शन झरोसा नाव के साथ मिलकर इस फिल्म को रिलीज किया गया था। ये तो हो गई कुछ मूवी की छोटी सी इन्फॉर्मेशन, तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, एक बात और, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, तथा हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। मूवी की स्टार्टिंग वकील इंद्रलाल परिहार से शुरू होती है, जो अदालत के एक मामले को जीत चुका है। सभी उसे बधाई दे रहे होते हैं, परंतु इंद्र घर लौटता है और एक बोतल उठाकर उसके घर के पीछे एक पेड़ के सामने जाता है। वहाँ एक कब्र के नाम और तारीख को देखकर वो रोने लगता है और शराब पीने लगता है। वो कब्र उसकी पत्नी की थी। इसके बाद वो अपने पिछले समय के बारे में सोचने लगता है। सरस्वती उस स्वरूप एक जवान लाइब्रेरियन रहती है। उसके रहने और तैयार होने के तरीके के कारण सभी उसे बदसूरत समझते हैं। उसकी खूबसूरत बहन का भी शादी करना चाहती है, लेकिन उसके पिता पहले सरू की शादी करने के बारे में सोचते हैं। कावेरी का प्रेमी उसे 1 महीने का समय देता है और कहता है कि अगर उसने 1 महीने में उससे शादी नहीं की तो वो उसे छोड़कर चला जाएगा। इस कारण दोनों बहनों में तनाव उत्पन्न हो जाता है। इस तरह सरू के ऊपर अपने लिए जल्द से जल्द जीवन साथी ढूंढने का दबाव बन जाता है। सरू के परिवार का वहाँ काफ़ी इज्जत और सम्मान भी होता है। वे जिस बिल्डिंग में रहते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं, वहाँ कुछ बुजुर्ग जिसमें सरू के पिता भी शामिल हैं देख रेख करते रहते हैं, किसी भी प्रकार की घटिया हरकत बर्दाश्त भी नहीं करते। एक दिन सरू के पिता सरू अपने पड़ोस में रहने वाले इंद्र के पास जाती हैं, जो एक अमीर और प्रसिद्ध वकील का बेटा होता है। वो अपनी प्रेमिका रूबी मल्होत्रा के साथ दिखता है, जिसे जयराम को इंद्र के ऊपर गुस्सा आ जाता है। उसी दौरान इंद्र की मुलाकात सरू से होती है। वो उसकी सादगी और खूबसूरती को देखकर उसकी ओर आकर्षित होता है। वहीं सरू के मन में अभिमन्यु शास्त्री की छाया रहती है, जो अमीर और खूबसूरत है। जब अभिमन्यु को पता चलता है कि सरू उसके ऊपर लट्टू है, तो वो इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। उसे अजीब अजीब तरह की काम करने को कहता है। इंद्र कई बार लाइब्रेरी में आता जाता है और सरू से पूर्व बंदी के पढ़ने लायक किताबें
को खरीदता है और उसके बारे में जानकारी भी लेता है। कई बार इनकार के बाद शुरू को लगता है कि उसे अपने भीतर बदलाव लाना पड़ेगा, तभी उसे पति मिल सकता है। उसके माता पिता शहर छोड़कर बाहर जा रहे होते हैं, इसी कारण वो इंद्र से मदद मांगने जाती है। उसके अपार्टमेंट में वो सुबह के 4 बजे जाती है। जब रूबी घर आती है तो उसे लगता है कि इंद्र उसे धोखा दे रहा है और वो एक कांच का बोतल सरू के ऊपर फेंक देती है, पर बीच में इंद्र आ जाता है और उसके हाथ में बोतल लगकर फूट जाती है, जिससे इंद्र के हाथों से खून निकलने लगता है। सरू से इंद्र घर जाने को कहता है, पर सरू को लगता है कि उसके हाथ की चोट उसकी वजह से लगी है, इस कारण चोट की वो मरहम पट्टी करने लगती है। इसी में रात गुजर जाती है। वहाँ का चौकीदार उन दोनों पर नज़र रखने लगता है। अगले दिन जब सरू के माता पिता यात्रा से थोड़ा पहले ही घर आ जाते हैं तो वहाँ लोग उन्हें बताते हैं कि सरू ने इंद्र के साथ रात गुजारी है। पहले तो जयराम को विश्वास ही नहीं होता कि उसकी बेटी ने ऐसा कुछ किया है, लेकिन जब वो अपनी बेटी को इंद्र के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखता है तो उसे उन लोगों की बात पर यकीन हो जाता है। सरू उन्हें समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पिता उसकी एक भी नहीं सुनते और बोल देते हैं कि अब वो उनके लिए मर चुकी है। सरू अपनी माँ को सारी बात बताती है। उसकी माँ विश्वास भी कर लेती है, लेकिन वो अपने पति से नहीं कह पाती। सरू को लगता है कि अगर वो किसी अच्छे लड़के से शादी कर लेगी तो उसके पिता उसे स्वीकार कर लेंगे। इंद्र उसके लिए अपार्टमेंट में जगह की तलाश करने में मदद करता है, साथ ही उसके पहनावे आदि को बदलने की वो बहुत कोशिश करता है। इसी बीच इंद्र सरू से प्यार करने लगता है, पर अभिमन्यु सरू से शादी के लिए पूछता है तो इंद्र अपने दिल की बात दिल में ही छुपा लेता है। अभिमन्यु उसे शादी के दिन ही छोड़ देता है, क्योंकि उसके पिता को ऐसी बहू नहीं चाहिए होती है जिसके पिता ने उसे स्वीकार नहीं किया हो। सरू का दिल टूट जाता है। उसे लगता है कि उसके पिता के अस्वीकार करने के बाद अब उसकी शादी नहीं हो सकती। वो अपने हनीमून सीट तक आती है और इंद्र को कहती है कि वो उसे सातवाना देने के लिए प्यार करें। पहले तो इंद्र इकार कर देता है, पर बाद में मान जाता है। अगली सुबह वो सरू के साथ अभिमन्यु को देखता है। इंद्र को लगता है कि अभिमन्यु के साथ वो वापस जा चुकी है। उसका दिल टूट जाता है जब उसे पता चलता है कि सरू ने अभिमन्यु के अनुरोध को स्वीकार कर दिया है, तो वो उसके फ़ोन से उसे ढूंढते हुए बौद्ध मठ जाता है। वो उसे अपने प्यार का इजहार करता है, पर सरू बेहोश हो जाती है। इंद्र उसे अस्पताल ले जाता है। वहाँ पता चलता है कि उसे अब लाइलाज बीमारी है, इस कारण वो जल्दी ही मरने वाली है। यह बात पता चलते ही सरू के माता पिता के घर में जबरन घुस जाता है और उनसे अपनी बेटी को मरा हुआ ना मानने को कहता है। अगले दिन पुलिस उसे जयराम के कहने पर गिरफ्तार कर लेती है। सरू अस्पताल से छूटने के बाद लाइब्रेरी चली जाती है। वहां उसे इंद्र के छोड़े हुए कुछ लेटर मिलते हैं, जिसे में उसे एहसास होता है कि इंद्र उससे बहुत पहले से ही प्यार करता है। इंद्र किसी तरह लाइब्रेरी आ जाता है। वो दोनों वहाँ मिलते हैं। सरू उससे शादी करने को कहती है। एक रात सरू की उसकी मौत के बाद वो चाहती है कि उसकी कब्र एक पेड़ के नीचे दफनाई जाए। वो ये भी कहती है कि उसके पिता का दिया हुआ श्राप सच साबित हो रहा है, वो असल में मरने वाली है। इंद्र उसे कहता है कि भगवान कभी श्राप को स्वीकार नहीं करते, और शिव कहते हैं कि भगवान माता पिता की प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। शादी का दिन आता है। स्वरूप के माता पिता अपनी गलती का एहसास होने के बाद उन दोनों को शादी में आने को कहते हैं। शादी के बाद स्वरूप बेहोश हो जाती है। अस्पताल में डॉक्टर कहते हैं कि वो मरने वाली है। इंद्र अपने पिता से उस पेड़ वाली
जमीन को खरीदने की विनती करता है, जिसके नीचे वो सरूर को दफनाना चाहते हैं। सरूर की मौत इंद्र के हाथों में हो जाती है। उससे पहले इंद्र उसकी मांग भर के उसे सुहागन बनाता है। बाद में दिखाया जाता है कि इंद्र एक सफल वकील बन चुका है। सरूर के कब्र के आगे खड़ा होता है। वो बोलता है कि उसे सफल देखकर वो सरूर जरूर खुश हो रही होगी। वो कहता है कि वो उसे याद करता है और शाश्वत सच्चे प्यार करने का वादा भी करता है। यही मूवी का डी एंड हो जाता है। अब यदि इस मूवी के लीड रोल कैरेक्टर की बात करें तो हर्षवर्धन ने इंद्र परिहार, मावरा हुसैन ने सरस्वती पारसार्थी, मनीष चौधरी ने जयराम पारसार्थी सरूर के पिता, प्योमरी मोहन